ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके भूगोल से क्वेश्चंस हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप देखिए, विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, इनसे आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको एक अच्छी संख्या में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख लीजिए सिविल सर्विस में भी, आपके स्टेट पीसीएस में, जिनमें आप देखते होंगे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस, राजस्थान एमपी या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और भी जहाँ भी आप देखिए कि भूगोल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर चाहे वह इंडियन हो या फिर आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी हो, ठीक है। और वनडे एग्जाम में आप देखिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो पटवारी एग्जाम होते हैं, पुलिस के होते हैं, दरोगा के होते हैं, वीडियो के होते हैं, शिक्षक भर्ती होती है, इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे ये भी भरोसा है कि आप लोग ज्योग्राफी को, यानी कि भूगोल को, भारत के भूगोल को ले लीजिए, इसके लिए आप लोग कई बुक्स पढ़ते होंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपसे कोई कह दे कि इस लेखक की अच्छी बुक्स है तो आप जाके उसे ही खरीद लेते हैं। और इसीलिए देखते हैं आप लोग कि आपकी तैयारी के दौरान आपके पास किताबों का अंबार लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? जब आपके सामने क्वेश्चंस पेपर आता है, वहाँ हम ढेर हो जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप देखिए कि आप लोग क्या किया करिएगा, कि आप लोग एक मतलब सब्जेक्ट की 10 तरह की बुक्स पढ़ने की बजाय एक बुक को आप लोग 10, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट देने से ये मतलब होता है कि हमें अपनी औकात मालूम चलती है, और पुराने क्वेश्चंस पेपर लगाते रहा करिएगा। यही आपको करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बुक्स हो या 10 बुक्स हो, सब में आपको देखने को मिलेगा सेम ही, लगभग बराबर ही मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो कोई एक स्पेशल बुक्स उठा लिया करिएगा, ठीक है। चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप कह दीजिए कि भारत का भूगोल या विश्व के भूगोल से जो निचोड़ है, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन्हीं को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और एक क्लियर है कि आप जानते हैं कि भारत का हो या विश्व का भूगोल कोई छोटा नहीं है, तो ये बड़ी क्लास हो सकती है और आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ सुनना है। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप लोग आसानी से देखते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किस अनुभव किया जाता है? निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो ये आप देखेंगे कृष्ण तथा शुक्ल शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। क्या कह रहा है? पूर्णिमा और अमावस्या के समय उच्च ज्वार का अनुभव होता है, और निम्न ज्वार का अनुभव कब होता है? ज्वार भाटा आप लोग पढ़े हैं, उसी की बात की जा रही। तो निम्न ज्वार का उत्पत्ति का कब होती है? कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा और लिब्राडोर की ठंडी जल धारा का मिलन स्थान कहाँ है? न्यू फाउंड लैंड में। तो यहाँ 3 तरह के आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं। एक तो आपकी गल्फ स्ट्रीम किस तरह की धारा है? गर्म जल धारा है। लिब्राडोर ये ठंडी जल धारा है। इनका मिलन स्थान कहाँ है? न्यू फाउंड लैंड, ठीक है। रोम सागर हो गया, कैरिबियन सागर हो गया, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के। रोस सागर, ठीक है, किसके? अटलांटिक महासागर के। प्रशांत महासागर के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, सबसे बड़ा सागर। और आप समझ सकते हैं कि ये परिभाषित करता है कि जो जितना बड़ा होता है उतना शांत होता है। रेगुर मिट्टी प्राप्त किससे होती है? लावा से। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील में किस क्या कहते हैं इसे? तो याद रखिए, लॉनोज और कंपास, लॉनोज और कंपास। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप को किस नाम से जानते हैं? श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। तो पुलिकट आपकी एक लैगून झील है। झील के चोटी का नाम दोदा बेटा, दोदा बेटा, ये नीलगिरी की है, याद रखिए। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट
और भोरघाट क्रमशः मुंबई से केप की मार्ग प्रदान करते हैं, तो कोलकाता और पुणे के लिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, ये जाता है आपका पोप ग्रेगरी 13 को। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम। क्या कहते हैं इसे? डोलड्रम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। और आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहां से? चाइना से होकर आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इनसे इस तरह की परियोजनाओं से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, नदियों से भी आपके क्वेश्चंस काफी अच्छी संख्या में आ जाते हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वाराणसी के निकट, ठीक है। और याद रखिए, इस तरह के जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके, वन्यजीव अभ्यारण है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? हब्बल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होता है, ये आप देखेंगे 14.7 करोड़ किलोमीटर। और इस स्थिति को आप लोग क्या कहते हैं? उपसौर, त्रीहेलियन, ठीक है। 3 जनवरी को वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? विलजर्ड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो याद रखिए गंगा का, सबसे लंबी भी भारत में यही बहती है, गंगोत्री हिमालय से निकल के और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करने वाली, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में? एशिया में। और आप जानते हैं कि एशिया जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, या आप देखिए पहले नंबर पर आप चाइना देखते हैं, भारत को देख लीजिए। अब तो ये भी माना जा रहा है कि 2027-28 तक भारत चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। हम लोग किसी क्षेत्र में एक तरह से मेहनत कर रहे हों या ना कर रहे हों आगे बढ़ने में, जनसंख्या के मामले में हम लोग कोई ढील नहीं दे रहे हैं। पिम्मी तथा ब्रुसमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? पिम्मी कांगो बेसिन में और ब्रुसमैन कालाहारी मरुस्थल में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? नदी में मिलती है, हुगली नदी में। झारखंड के जादूगोड़ा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित किंतिम कपड़े को क्या कहते हैं? रेयॉन। भारत में किंतिम मोती उत्पादन विकास कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। इग्लू क्या है? बर्फ से बनाए हुए एस्किमो का घर है जनजाति का, ठीक है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। आप देखिए जनजातियों से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, इससे एक जानकारी तो क्लियर हो जाती है कि कहाँ से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं और रिपीट होते रहते हैं हर बार। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित साकल झील से निकलती है? सतलज नदी, ठीक है। भूलर झील किस नदी का मुहाना है? झेलम नदी का, भूलर झील झेलम नदी। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। तारों की ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वीएन के विस्थापन नियम का। आवंतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। अश्व अक्षांश से डॉल ड्रिकी की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यावहारिक पवनें, ठीक है।
विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर में देखने को मिलेगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर में। याद रखिए मैरियाना गर्त है, ट्रेंच है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं इसे? सवाना कहते हैं इसे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कौड़धारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सकें। काली कपासी मिट्टी को अन्य नाम से किससे जानते हैं? रेगुर के लिए, रेगुर मिट्टी से। और आप जानते हैं कि कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक शहर है? हरियाणा और पंजाब की आप लोग देखेंगे चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं बहुत जनजातियां हैं आपकी, इसमें आप कोल देखेंगे, भील देखेंगे, गोंड, बेगा, मुरिया, ये सभी आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में हृदय स्टेट में, टाइगर स्टेट में, नदियों का मायका, सोया प्रदेश, हीरा प्रदेश, ये सभी मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। तेंदू पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग बीडी उद्योग, जो बीडी आप देखते हैं ना उसी की बात करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में देखने को मिलेगा। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है थोरियम के। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक और सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है? जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला था? विशाखापट्टनम। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ के पहले, छत्तीसगढ़ नहीं आया हुआ था तब तक, मध्य प्रदेश की सीमा बहुत दूर तक जाती थी। अब आप जानते हैं कि 5 स्टेट से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा। सन 2000 में आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? बुशमैन। एक कालाहारी रेगिस्तान में निवास करती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि पनामा नहर है, ठीक है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है और अटलांटिक महासागर को। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? याद रखिए अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपको आपकी जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। इन जल संधियों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है आपका, कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं? कोयना परियोजना किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध? ये राजस्थान में निवास करते हैं सामान्यतः, वैसे तो आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे सहरिया, लेकिन खासकर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग। भद्दावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहाँ मिलती है? न्यू फाउंडलैंड में। ये पीछे भी देख चुके हम लोग। पीर पंजाल सैंडी का वेरीनाग स्थित किस नदी का उद्गम है? झेलम नदी का। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या नाम है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिप्ट घाटी का। कैसा? रिप्ट घाटी का। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो याद रखिए आयनो मंडल। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से आप लोगों को हम्बोल्ट जलधारा देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कालगुर्गी किसकी खानों के लिए विख्यात है? सोने की खानों के लिए। हम देखते हैं भारत में भी आप देखते हैं कोलार की खाने आप लोग सुनते रहते हैं। सोना आप देखते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आभूषण के रूप में एक तरह से उपयोग होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम नंबर पर है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार, अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 degrees 4 minutes से 37 degrees 8 minutes उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार की बात करें तो 87 degrees 7 minutes से 97 degrees 25 minutes पूर्वी देशांतर। यहाँ आपको उत्तरी अक्षांश और देशांतर के पूर्वी देशांतर नाम लेना है अगर आप लोग कहीं भी बोलते हैं तो, ठीक है। इसे आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 84 से 378 और
687 से 97-25। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में, ठीक है। और अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू कहाँ है, पीओके वाले हिस्से में, पाकिस्तान का जो कब्जा है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से में, उसी की बात कर रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा गांधी गांधी नहर, ये राजस्थान नहर के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर हुई थी, पिंपरी पुणे में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7,000 अरब घन फुट गैस के भंडार का पता चला, एक किसने गोदावरी बेसिन में, किसने गोदावरी बेसिन में। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, त्रियार नदी पर। केरल में इडुक्की परियोजना त्रियार नदी पर। किसी मध्यान रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर दो भाग गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं, सौर दिवस। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। आप देखिए कि एक तरह से वहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है, फिर भी गरीब देश है अफ्रीका महाद्वीप, गरीब देशों का एक तरह से आपके देखने को मिलेगा। इसी तरह आप लोग मध्य प्रदेश को ले लीजिए, पन्ना से आप देखते हैं हीरा का उत्पादन होता है, लेकिन पन्ना के लोगों को देखिए आपको देखने को मिलेगा गरीबी काफ़ी वहाँ है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ खुदाई देखिए कोई आम व्यक्ति वहाँ के लोग नहीं करते हैं, कंपनियाँ करती हैं, और कंपनियाँ मालामाल हो जाती हैं, लोग गरीब हो जाते हैं। चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, यमुना नदी भी है। चंबल वही है जो आप देखते हैं चंबल के भीड़ आप लोग सुनते हैं, डाकुओं की शरण स्थली भिंड मोरेना ग्वालियर के क्षेत्र। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है, कागज उद्योग से। मसाई जनजाति के पड़ावी को क्या कहते हैं, काल। एशिया माइनर और दक्षिण रूस में स्थित अंतरदेशीय सागर का नाम है काला सागर, ब्लैक सी। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से दो देश अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण है, मैंगोव के, मैंगोव बर्ड यहाँ बहुत देखने को मिलेंगे। विश्व का सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त या मैरियाना गर्त ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश शिमला आप लोग जाते रहते हैं। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है, एशिया और यूरोप के, ठीक है। जो यूराल पर्वत देखते हैं आप लोग, एशिया महाद्वीप और यूराल के बीच है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है, रॉकीज की, माउंट मैकेले रॉकीज की है, ये उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड विच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है, प्रधान मध्यान रेखा, मेरिडियन लाइन। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है, ग्रेगरी की। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारीख के सापेक्ष घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिन। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, ईरान और ओमान को, खाड़ी देशों में ईरान ओमान। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, पूर्व सोवियत संघ के, बोकारो, ठीक है। अब जो आज रूस देखते हैं ना, इसमें पहले इसके साथ कुछ और देश हुआ करते थे, उसे आप लोग सोवियत संघ के नाम से जानते थे। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है, प्राइवेट सेक्टर का। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, केरल में, परियार या परियार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, दक्षिणी बस्टर्स। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश में, लाल मिर्च, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है, अप्सौर 4 जुलाई। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ये आप देखेंगे 79,82,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओबरॉन टिटिनिया एरियल अम्बिथल मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं, यूरेनस के। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति परस्पर समकोण पर होते हैं।
रोहतांग दर्रा किस पर्वत में है? नागा पर्वत श्रेणी में। अरावली या अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित है? लूनी और यनास द्वारा। वर्नल इक्वावॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। स्थानीय पवन सरक्को किस देश में चलती है? इटली। असम से पृथक कर बने थे राज्य मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल ये आपका पहले असम के हिस्सा हुआ करते थे। व्लादिवोस्टोक कहाँ क्या है? रूस के पूर्वी तट पर आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिलेगा रूस में। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम? मकरान तट। खारतूम में किन दो नदियों का संगम होता है? नील और श्वेत नदियों का। लोह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुंदेमुख किस राज्य में देखने को मिलेगा? कर्नाटक में। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। त्रिनिदाद और टोबेगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन की है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। और दूर होता है उस दिन आप लोग अपसौर। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान चीन। तिस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों में? भारत और बांग्लादेश में। इसका समाधान करने के लिए आप देखते हैं दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलते रहते हैं तिस्ता नदी के। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों में है? तंजानिया, कीनिया और जायरे में फैली हुई है। कौन सी? विक्टोरिया, तंजानिया, कीनिया, जायरे। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम दिया जाता है? आप लोग देखते हैं अपने शहर में कहीं चौराहा होता है, चारों तरफ से मिल रहा होता है मार्ग, तो उसी तरह आप देख सकते हैं हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर चौराहा का उपनाम हवाई द्वीप। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर जाती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से। विश्व में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल के। पनियान और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल, दक्षिण भारत में। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? समकोणिक। समकोणिक। मदर ऑफ पीरियल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में। मदर ऑफ पीरियल, ठीक है, क्लाउड्स। कनाडा का सर्वरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? निकल के लिए। पांच सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया को। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति का बहुल है? संथाल जनजाति आपकी अधिकतर झारखंड में देखने को मिलेगी। उकाई परियोजना किस नदी पर देखने को मिलेगी? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहते हैं? नेरी विलोसम। भारत में तीन सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं सबसे ज्यादा होता है, चीनी का कटोरा भी आप लोग इसे कहते हैं। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण? वार्षिक बार और नवीन जलोढ़ मृदा का जमा होना। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ड्रमलिन। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिमपोंग का ल्हासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर जाते हैं? जिलेफला। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो याद रखिए समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश, इसमें आप सोमालिया भी देखेंगे, इसमें आप इथोपिया भी देखेंगे और जिबूती, तीन देश आपको देखने को मिलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक तो आपका सोमालिया है, दूसरा इथोपिया और जिबूती, इसे भी आप लोग याद रखिए। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र? नेफोमीटर। नेफोमीटर। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में देखने को मिलेगा? और यहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कर्नाटक में। और यहां से आप देखेंगे लोहे अयस्क निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा को सबसे शांत सीमा रेखा के नाम से जानते हैं? ये है आपकी 49 डिग्री समानांतर अक्षांश, याद रखिए 49 डिग्री समानांतर अक्षांश। कनाडा
और यूएसए को अलग करता है। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल और कुछ में पतझड़, किस वन की विशेषता है? और जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होते हैं, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा की। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहते हैं, हार्ट। यह क्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन में काफ़ी अच्छा है, समृद्ध है। ओजोन परत का काम क्या है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इनको रोकना। समता मंडल में आप देखते हैं ना ओजोन परत, और इसका क्षरण होता है तो आप देखते हैं चिंता का कारण बन जाता है। 16 सितंबर को आप देखते हैं ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। डंकन मार्ग किनके मध्य है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन और अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति है? मंगोलिया प्रजाति। लास्ट में आप देखेंगे कि भारत के पूरे मैप को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और वैसे भारत के मैप्स को विश्व का जो मैप वाला पार्ट है, इसे हम लोग देख चुके थे, आप लोगों ने देखा होगा। मानचित्र के नाम से एक आपकी सूची बनाई हुई है, उसमें सभी को आपका मैप्स का सहारा लेके बताया गया है। और मैप्स के लिए मुझे लगता है उस पार्ट को आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर। रेड इंडियन अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति है? मंगोलियन प्रजाति। और लास्ट में तो हम लोग एक बार भारत के मैप्स को जरूर देखेंगे, अच्छे से देख लेंगे। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि और रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तुतिकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य प्रोत्साहन है, किस तट पर है? मालाबार तट पर। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जो मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, कौन सी नदियां हैं? एक तो आप देखेंगे नर्मदा, एक आपको महानदी देखने को मिलेगी। कोंकण याद रखिए आप, महानदी यहां कहां से निकलेगी याद रखिए, आप देखेंगे अमरकंटक पहाड़ी से आपकी एक तो सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा निकलती है, और ये दोनों आप देखते हैं कि आपकी अरब सागर में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी यहाँ से निकलती है सोन, ठीक है, ताप्ती, नर्मदा सोन ताप्ती, याद रखिए। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। थीन बांध परियोजना पंजाब में सवी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक की पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जानते हैं? इसे भावर नाम से जानते हैं, किसे? भावर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, औसत वर्षा यहाँ क्या होती है? ये आप देखेंगे वही 1140 सेंटीमीटर के आसपास, ये आप देखेंगे मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, और विश्व की भी बात करें तो यहीं। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा? ये आपका सेंट फेरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है? बहुफसली। एक ही भूमि पर आप देखिए एक से ज्यादा बार फसलें हों। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूना का, ठीक है, खाद आप लोग देखते रहते हैं। सूर्य को आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय? 25 करोड़ वर्ष। बरमूडा द्वीप किस महासागर में देखने को मिलेगा? उत्तर पश्चिमी पूर्व प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में। ओजोन परत के क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर छिद्र बन गया है अंटार्कटिक के ऊपर, ठीक है। लोहे अयस्क के मुख्य निर्यातक नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह है महत्वपूर्ण है? विशाखापट्टनम। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने पिछले में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो ये था मैरिनस। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में, इसके बावजूद यहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण पहाड़ियों के कीपाकार आकृति यानी कि आपके जो आद्रता रहती है उसी बादलों को रोक लेती है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन और ये पर्वत श्रेणी में है काराकोरम में, ठीक है काराकोरम में याद रखिए। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण पवन। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था, मंगल पर। हीरक क्लय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णिता पथ चिन्ह के पर्दीय क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भीतियाँ मोलस्का और डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं। इसे एक कच्छ की खाड़ी में सेंचुरी, ठीक है कच्छ की खाड़ी में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है, एक्वेरियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का होना। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु शिशिर, वैसे तो 3 ही आप लोगों ने सुना होगा, बसंत ऋतु शरद ऋतु शीत ऋतु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, पहले नंबर पर राजस्थान, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया करता था। आप अपने राज्य का क्रम बताइए किस नंबर पर है। और क्षेत्रफल में अभी अगर देशों की बात करें तो रूस आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई, ये कृष्णा नदी पर है। कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ कहाँ हैं, एक आपको कल्पक्कम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और तारापुर आपको महाराष्ट्र में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस एस्क के लिए प्रसिद्ध खान है, लोहे एस्क के लिए बेलाडीला। नदी हिल्स शहर किस शहर के पास बसा है, बेंगलोर के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा। तुंगभद्रा बहु प्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में, कर्नाटक, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हों, बहुउद्देशीय है। मत्स्य उत्पादक सेंट पेरी बैंक किस कहाँ देखने को मिलेगी, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। बरमूडा द्वीप कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में देखने को मिलेगी, आर्कटिक महासागर में। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है, ठंडी और गर्म जल धाराएँ जहाँ मिलती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरी अंडमान में। बुर्जिल और जुजिला दर्रे किस राज्य में देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर हुआ, कच्छ गुजरात। यदि भारतीय मानक समय रेखा के पूर्वान 10 बजे हैं और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग में समय क्या होगा, 10:38 पूर्वान, ठीक है सुबह रात की बात की जा रही है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा, थेल्स ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये थी आपकी इरेटास्थनीज। टोंडा गोंड भील गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, ठीक है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण की सर्वोच्च चोटी गुरुशिखर है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो याद रखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज होता है, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण की गंगा आप देखेंगे कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, यही है। और कई जगह ये देखिए मैंने देखा है कि उसमें क्या लिखा है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बता देते हैं और दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी को बता देते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में कुल वनों का प्रतिशत कितना, ये छोड़िए आप लोग आपकी हर 2 साल में आपकी जो भी रिपोर्ट आती रहती है उसे देखते रहा करिए करेंट में। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में 2 नंबर पर है, ये भी बढ़ते बढ़ते रहते हैं।
भारत में कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? ये 3/4, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में। तो आप देखते हैं फ्रांस जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगी नॉट रेखा। ये फ्रांस जर्मनी के बीच बात हो रही है। ये फ्रांस वही है जहां से आप लोगों ने रफेल खरीदे थे। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग? उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश? जायरे। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? केरल में। कहाँ? केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय? जेनेवा में। एनू किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान में। विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गल्फ? ए फिलीपींस में, वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। इराक का पूरा नाम? मेसोपोटामिया सभ्यता। आप लोग सुनते हैं इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य भूमि किस देश को कहते हैं? नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र? नीलगिरी। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। डेटम तल समुद्री तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई और गहराई दोनों की माप होती है। डेटल माप के लिए डेटम तल। ये आप लोग हटा दीजिए। बिहार आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली भी आप देखते रहते हैं, सबसे घना हुआ बसा हुआ है। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? टोर्नेडो। याद रखिए जनगणना सेंसस से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, और इस पर आप लोगों ने देखा होगा एक क्लास भी हम लोगों ने ली हुई थी, स्पेशल वीडियो फॉर ISBCS सूची में एक क्लास होगी आपकी जनगणना से संबंधित। 2011 तक की हम लोगों ने जनगणना देखे थे और एक सामान्य जानकारी भी उसके बारे में जानी थी, और मुझे लगता है कि उतना काफ़ी है, तो देख लीजिएगा जाके, क्योंकि आपकी हर परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास? म्यांमार। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। घूमर बागरिया और संकरिया लोकनृत्य किस राज्य के प्रमुख नाथ हैं? ये लोकनृत्य हैं राजस्थान। भारत में राजस्थान किस स्थान पर चुकंदर किससे चीनी बनाने का कारखाना स्थापित है? श्रीगंगानगर। जो आप चीनी देखते हैं ना, शक्कर देखते हैं, चुकंदर से भी बनती है। खग चंद जेंद्रा जेंदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम में। पिगमी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इनकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। इनका कद छोटा होता है और शरीर रंग काला होता है इनका, ठीक है, काला लाम। हम लोग ना तो काले हैं और ना ही सफेद हैं। महासागरों में स्थल पर्वत श्रेणियां जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियां को कहते हैं? जलमग्न तट। यूकेलिप्टस ओक वाटल किस प्रकार के वन के उदाहरण है? ये मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन। ये उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं और दक्षिणी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी भाग ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका पूर्वी तट और एवं ऑस्ट्रेलिया पूर्वी दक्षिण क्षेत्र, इन वनों में आपको देखने को मिलेगा। संसार का कौन सा संसाधन? संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तट के पास पाए जाते हैं। मत्स्य यानी कि जे मांस के लिए, यहाँ गर्म और जल्दी ठंडी जलधाराएं मिलती हैं जहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती हैं, और ग्रैंड बैंक और जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र भी हैं। यहीं से आप देखते हैं मांस का काफ़ी उत्पादन भी होता है, पकड़ी जाती है मछलियाँ। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका हुआ है? अवसादी चट्टानों से, परंतु इनका आयतन भूपरपटी के पूरे आयतन का लगभग आप देखेंगे 5% आपको देखने को मिलेगा। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई? ये 8,598 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बताइए आप लोग, सबसे ऊंची विश्व की चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी? अपवहन क्षेत्र 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर।
रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व होते हैं? लोहा देखेंगे, चूना देखेंगे, मैग्नीशिया, एलुमिना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते इसमें। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसका आप देख सकते हैं बढ़ता रहता है इसमें ज्यादा आप लोग। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। वारसा किस देश की राजधानी? पोलैंड। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। नर्मदा नदी। भूमध्य रेखा की सारी 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग नहीं 111 किलोमीटर। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। हिमालय की कुल्लू घाटी को किस एक नाम से जानते हैं? देव घाटी। और आप जानते हैं योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करती है उसे क्या कहते हैं? बेरिंग जल डमरू। जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में देखने को मिलेगी? राजस्थान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? टार्नेडो। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी यह किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? रेड इंडियन और नेग्रो उत्तरी अमेरिका में। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है इसे क्या कहते हैं? एपसाइड रेखा। किस कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहते हैं इसे। जानवरों एवं वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में होते हैं? अवसादी चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग तल की पृथ्वी की दूरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ये भूमध्य सागर में देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी में सूखने का सर्वाधिक दरार होती है? तो चिकनी मिट्टी में। आप लोग किसान होंगे तो देखा होगा आपके आसपास। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर के बीच और सबसे ज़्यादा वर्षा भी तो इसी से होती है आप देखते हैं। प्रशांत की अग्निमेखला प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वाला के लिए ज्वालामुखी के लिए। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियम मानते हैं ग्रीन बीच से होकर जो गुजरती है। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू है? पनावा। विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? काटोफैक्सी या कोटोफैक्सी को 5,897 मीटर। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है इसे क्या कहते हैं? बांगर मैदान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आयन मंडल की वह निचली परत जिसमें आप देखेंगे द्वि तरंगे हों या फिर आपके रेडियो तरंगे हों इनका परावर्तन होता है तो ये आप देखेंगे केनेली हेविसाइट परत इन्हें आप लोग कहते हैं। ठीक है। हरिकेन को चीन में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। हरिकेन को चाइना हमारा पड़ोसी है ना उसी की बात कर रहा हूँ। अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती हैं इन्हें आप लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। मालागासी सुकोत्रा जंजीवार कोमोरी किस महासागर की द्वीप हैं? हिंद महासागर की। आप देखते हैं कि हिंद महासागर का नाम हमारे ही देश पर हिंदुस्तान के नाम पर एक तरह से पड़ा हुआ है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नीलगिरी के दक्षिण में है। पोलिकट एक वलयाकार लैगून झील है इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के से लगी हुई है? तो याद रखिए भूटान से। एक बात और आपको पिछले भी बता चुका हूँ कई बार कि जनगणना से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। जैसे मान लीजिए अभी 2011 की चल रही है 2021 के फाइनल आंकड़े आएंगे उसके बाद आप लोग अंतिम आंकड़े के बाद वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपके इनसे क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस आते रहते हैं और सिविल सर्विस में भी स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं
आपके वन डे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग जरूर कर लेना। और एक क्लासेस भी इस पर आपकी डली हुई है, बताया हुआ आपको कि स्पेशल वीडियो फॉर IAS PCS के नाम से जो सूची है उसमें डली हुई है जनगणना, पूरा इतिहास भी जाना है उसमें, वो जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए उन्हें भी बताया। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी वन आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति सागौन, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि ये आप देखेंगे 40,008 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर कौन सी जलसंधि है, तो वेरिंग जलसंधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जलसंधि है, वेरिंग जलसंधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार उत्तर पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलेगा। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म और शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, खमसिन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रयाग ज्वार आता है रहता है, एस्चुरी कहते हैं इसे। एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है, श्रीलंका की उत्तरी और दक्षिणी भाग को। जाली व्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, अंडमान द्वीप समूह में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लिब्राडोर की ठंडी जलधारा कहाँ, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूफाउंडलैंड में नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को अलग करता है, पालघाट है। किस नदी को दक्षिण गंगा नाम दिया गया है, गोदावरी को। दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा, इनमें दो में फर्क आप लोगों को जरूर याद रखना है। दक्षिणी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में है, वेरीनाग में। ओटकमंड ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में, तमिलनाडु में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, बिहार झारखंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत ये 78% के करीब देखने को मिलेगा, 78। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि आप जानते हैं कि 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड का कब स्थापित किया गया था, 1961 में, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, पतझड़ वन। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं, फॉसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है, यह भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, उत्तरांचल। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना था, उत्तरांचल इसे ही कहते हैं आप लोग। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में देखने को मिलेगा, यहाँ कौन सा खनन निकलता है, कर्नाटक में देखने को मिलेगी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि लौह अयस्क निकलता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित जो ज्वालामुखी होते हैं इसे क्या कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र में ग्रांड बैंक और डोनर बैंक किसके से संबंधित है, मछली उद्योग के। हर वर्ष जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में चलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम से, इस तरह से आप देखेंगे। आगे लास्ट में या करेंगे, अभी कुछ समय बाद ऐसा करेंगे कि भारत का मैप्स देख लेंगे एक बार, ठीक है, तो और क्लियर आपको होता रहेगा। वैसे मैप्स का जो आपका पार्ट है उसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ था, इसमें केवल आप देखिए कि एक तरह से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, कोई विस्तार से थोड़ी बात कर रहे हैं। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी क्षेत्र का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है, ये आप देखेंगे 200 नॉटिकल मील। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ बद्री मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, ये अलकनंदा के, उत्तराखंड। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में। वैसे भी आप जानते हैं प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। भारत में खनिज तेल की भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, परतदार या फिर अवसादी चट्टानों में।
कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है? रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चाइना की बात कर रहा हूँ, सांगपो। पूर्णिया तथा पूर्णिमा या फिर अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है निम्न ज्वार का? एक किसने और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, पीछे भी देखा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, जिस तरह से आप देखते हैं मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, उसी तरह आप रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान भारत के बीच। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? विवर्तनी की झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करती है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। इसलिए विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं? होंगो को, विश्वासघाती। आप समझ रहे हैं किसे कहते हैं विश्वासघाती आप लोग? प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वार और नीचे गिरना भाटा। कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल मिजोरम। देखिए केरल की बात करें तो आपको मालूम होगा कि माना जाता है केरल, वैसे देखिए कोई भी इंडेक्स आता है तो उसमें टॉप आपको देखने को मिलेगा, वहीं बिहार उत्तर प्रदेश को आप देखिए कि नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, यानी कि बिहार सबसे बुरी स्थिति में है। और ऐसा माना जाता है कि जब आपके केरल में बोट आपके आपके शिक्षा के नाम पर, काम के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर पढ़ते थे, उस समय भारत के उत्तर भारत में आप जाएंगे, विशेषकर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो यहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते थे। और आज भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जाति धर्म के नाम पर ही वोट पड़ते हैं और नेता जीतते हैं। तो देखिए जहाँ बातों पर आप सोचिए कि वोट मिल जाते हैं, वहाँ काम करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं? वही हाल है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार, ये रहने दीजिए आप लोग, 2011 की जरूर देख लीजिएगा। वायुमंडलीय आद्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है उसका हाइग्रोमीटर कहते हैं इसे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में देखने को मिलेगा। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट आपको देखने को मिलेगा। अग्निबलय से जुड़ी भूकंपीय घटना का क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, इसमें से कौन सी पवनें शामिल हैं? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस रहती है? हल्की गैसें। इसमें आप देख सकते हैं कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, कैप्टन हो गया और जीनोन हो गया। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा होता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटियों को क्या कहते हैं? लटकती या फिर नीलंबी घाटी। 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई 5,414 किलोमीटर, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, याद रखिए, चाइना है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, मकाऊ। यहाँ आप देखेंगे आप देखेंगे 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारा जनघनत्व 382, ठीक है। अपने अपने राज्यों का बताइएगा कितना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानती है, पूर्व में इसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी आप लोग जानते थे, यह नहर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकलती है? हरी के बांध से। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? हरी के बांध से। किस नदियों के संगम पर है ये बांध?
सतलज और ब्यास। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है? चेनाब नदी पर। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खंभात की खाड़ी में, अरब सागर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? ये आप देखेंगे अलकापुरी के हिमनद से। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। शनि के आप देखते हैं सबसे ज़्यादा, बुध और शुक्र के कितने हैं? कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, इन दो को याद जरूर रखिए। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति। अब आप सोचिए इस लाइन में कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं, 4 से 5 तरह के क्वेश्चंस बन गए हैं। तो इसी तरह आप सोचिए कि हजारों क्वेश्चंस हो जाते हैं। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने की प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान 2 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। वायु दाब और तापमान पर परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट और बल्कि वायु दाब में गिरावट भी देखी जाती है। कौन सा चैनल अंडमानों और द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। एओ किस राज्य की जनजाति है? नागालैंड। एस्बेस्टोस एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण और चादरें बनाने के लिए करते हैं। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम का सम्मिलित जल मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? सिंधु नदी में, ठीक है। इन्हें भी याद रखिए, 5 भूपियों का पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का। बूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, किस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत संसार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और संसार की कुल जनसंख्या आप देखेंगे 70% के करीब भाग रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुमान के अनुसार कब तक भारत चीन से आगे निकल जाएगा? भारत से चीन आगे 2045। लेकिन याद रखिए अभी जो नई रिपोर्टें आई हैं इसमें 2027-28 की बात की जा रही है कि चाइना से हम लोग आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में 2027-28 तक। पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकट होने की स्थिति को उपभू कहते हैं और दूर होने की अपभू कहते हैं। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है या बहती है। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा, उनकी तीव्रता उनकी निर्धारित करती है वेग को। विश्वतीय निम्न वायु दाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने की विवश करता है और जिसमें आप देखेंगे यहाँ निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित इस न्यूनतम वायु दाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। विश्व में जनसंख्या औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दुनिया की बात की जा रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है और बांग्लादेश में संयुक्त नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। इस लाइन में देखिए कई तरह के क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ये आप देखेंगे 8610 मीटर है, किलोमीटर नहीं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा? काराकोरम में। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट और तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण? स्थानीय उच्चावच। हिमालय सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रोटो प्रजाति के निवास कहाँ करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
ठीक है, रुक जा कैसे, खैर छोड़िए। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर, और बकरियों की संख्या से सबसे अधिक देश में भारत में। देखिए पशु के मामले में आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहते हैं, तो ये है आपकी स्टम्बोली ज्वालामुखी। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है, इसे पीछे भी बात कर चुका हूँ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा भी इसमें, काराकोरम जो आपका समूह है उसमें है आपकी केटू। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी से मिलती हैं, पलानी पहाड़ी। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, किस राज्य में है, चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट। एक क्वेश्चन से भी कई बार पूछ लेता है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि, ये आप देखेंगे 7 मिनट 40 सेकंड के पास देखने को मिलेगा लगभग। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है, एवरेस्ट का, जो आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट, इसका हिमालय, इसका एक और नाम है सागरमाथा। गंगा को बांग्लादेश किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, जो हम लोग गंगा जिसका नाम रखे हुए हैं उस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। तिस्ता नदी किस वेहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी के। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी, प्रशांत महासागर। प्रशांत, जो जितना बड़ा उतना कैसा, शांत। लहोत्सव पर्वत श्रेणी किस देश में है, नेपाल। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली गए हो कभी, गए हो। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, ऐरावत पथ में। एशिया का मेंढक सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है, ये आपका गुम्बदकार का पठार। संसार की प्रसिद्ध नॉनवास कोयला क्षेत्र कहाँ है, यूक्रेन में। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है, डेट्रॉइट। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोह इस्पात उद्योग के लिए। पैम्परी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। व्युत्क्रम ताप, ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों का सही क्रम है, टुंडा, फिर आप देखेंगे टैगा, एस्टेफी, सवाना, भूमध्यरेखीय। विश्व का पहला कहवा पतन, साओ पोलो। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है, लोहे इस्पात उद्योग के लिए। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र, दक्षिण एशिया। राष्ट्रीय एटलस और तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ है, कोलकाता। बिली बिली क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गुरु शिखर माउंट आबू में। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने किसी जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था, याद रखिए 15 में। एक बात और आपको बता दूं यार, योजना आयोग की स्थापना आप जानते हैं कि 1950 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ चुका है, किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। आप जानते हैं आप लोग कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके कौन आया, नीति आयोग। और आपकी पंचवर्षीय योजना अब खत्म हो गई, 12वीं पंचवर्षीय योजना बाद आपने देखा कि 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। फेरेनिज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, लानोज। कार्डामम हिल कहाँ देखने को मिलेगा, केरल। बूढ़ी गंगा नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों पर। कोयलाकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, 9 राज्यों को। डागर बैंक अभी आगे चल के आपको दिखा भी देंगे सभी राज्यों को, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग इन्हें सबको देख लेंगे। ये आप देखेंगे पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र है डागर बैंक। इंदिरा पॉइंट, ये आप देखेंगे भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में इसका नाम दिया गया।
ठीक है, इंदिरा पॉइंट। भारत की सीमाएं कितने देशों को लगती हैं, अभी मैप्स में भी दिखा देंगे आगे, ठीक है, अभी याद रखिए। आप देखेंगे सात, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। स्थल और जल सीमा की बात करें तो आप देखते हैं कि मालदीव से भी लगती है हमारी, और आप देखेंगे हमारा पड़ोसी एक श्रीलंका भी है, पाक जलडमरू के द्वारा अलग होता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, केटू कंचनजंगा या फिर केटू या कंचनजंगा, तो याद रखिए केटू है, 8611 मीटर। लेकिन भारत में स्थित अगर पूछे तो याद रखना है कंचनजंगा है, क्योंकि केटू आपका पीओके वाले हिस्से में है, हम लोग उसे अपना मानते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ये सोचिए, मत सोचिएगा कि भारत में क्या, इस तरह का कोई कंफ्यूज मत होना चाहिए। भारत में अवस्थित पूछे और भारत का पूछे तो आप लोगों को इन दोनों में अंतर याद रखना है, भारत का केटू, भारत में अवस्थित कंचनजंगा। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ आप देखेंगे चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग काफ़ी पिछले थे, हमारे यहाँ आप देखते हैं बॉलीवुड। भारत में सात बहनों के नाम से किन किन राज्यों को जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सात पहाड़ी राज्य जिसमें असम आप देखेंगे, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और याद रखिए इसमें सिक्किम आपका शामिल नहीं है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है, इसमें आप देखेंगे पांडा। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश मंडला जिले में। इडुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, केरल, इडुकी। या महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंगें सिद्धांत प्रतिपादन एरी ने किया था। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय, रिहंद। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग समुद्री जल प्रदूषक। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। एलोस्टन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है, मलक्का जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में। अब आप देखते हैं कि इसका बंटवारा हो चुका है जम्मू कश्मीर का, उसे भी हम लोग बात करेंगे, वहाँ बता देंगे आपको। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, सिंधु। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणी, किसके श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है, जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जस्ता के लिए, जिंक के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। होंगो नदी किस सागर में गिरती है, पीत सागर में, होंगो। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में, राजस्थान। इंदिरा गांधी किन नदियों के जल का उपयोग करता है, सतलज व ब्यास नदियों पर जो संगम पर आपका हरी के बांध है ना, इसका। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में, कर्नाटक। विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश, ब्राजील। लुफ्थांसा किस देश की एयरवेज है, जर्मनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन। सबसे बड़ा, रूस। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, केटू गॉडविन। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.90 करोड़ किलोमीटर, करोड़। स्वर्णिम चतुर्भुज ये आप देखेंगे कौन कौन शहर है इसमें शामिल, विराट नगरों को संबंधित करने वाला सुपर मार्ग है, इसमें दिल्ली भी देखेंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू में। गोकुल ग्राम योजना गुजरात में चल रही थी। तेलुगु गंगा परियोजना जल में हिस्सेदार राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देखने को मिलता था। नर्मदा ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकल उत्पादन में 90% योगदान किस देश का है, कनाडा का। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों आपकी मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलती हैं, याद रखिएगा। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नलकूपों की प्रतिशत का किस राज्य में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में होती है, जबकि आपसे अगर सर्वश्रेष्ठ चाय की बात करें तो ये दार्जिलिंग में पैदा होती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा होती है, हिमाचल प्रदेश में। आप लोग जो खाते हैं, जो डालते हैं ना चाय पत्ती, ये बहुत लो क्वालिटी की रहती है, समझ रहे हैं, बहुत महंगी महंगी चाय आती है चाय पत्ती, लेकिन हम लोग इसी में खुश हैं, महंगी उसमें भी क्वालिटी रहती है।
बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? चेनाब। चेनाब। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। आप समझिए कि अगर आप लोगों ने राज्यों के क्रम को याद रख लिया, मैप्स को भारत के एक बार याद रख लिया, तो आप लोग हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस कम से कम सही करने की, मतलब सही करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? शनि के। पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ती है? भारत श्रीलंका। एक बात और आपको बता दूं, इसके पाक नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि कई बार पूछता है आपसे तो आप क्या लगा देते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत पाकिस्तान को अलग करता है, लेकिन याद रखिए भारत श्रीलंका को अलग करता है, ना कि पाकिस्तान। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जानते हैं? सिस्मोलॉजी। विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडियन आर्कटिक में। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। यूरोप के बॉस जज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? वेंसोद ब्लॉक पर्वत के। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में है? राजस्थान की बात कर रहा हूँ। किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खानों के लिए। जियोग्राफिका के लेखक रेस्टो रथनीज किस स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हीदर ग्राफ। उत्तराखंड की किस नदी पर हीरी बांध निर्माण किया गया? ये भागीरथी और मेलंगना के संगम स्थल पर। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश? अर्जेंटीना। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय विदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन? मिस्टल। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है, यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य वह है कुनलून और हिमालय। कुकी एक मंगोलाइड प्रजाति है, यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? असम। डॉगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक स्थल है पश्चिमी यूरोपीय तट पर देखने को मिलेगा। देखिए आप याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच चलती थी समझौता एक्सप्रेस और थान एक्सप्रेस। तड़ित झंझा वर्षा स्तरी मेघों से, अभी तो आप देख रहे हैं कि इतने बुरे रास्ते चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान भारत के। चक्रवात क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन, इसे ही आप लोग चक्रवात कह देते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश लाओरा। नेपाल की प्रसिद्ध औद्योगिक नगर विराट नगर। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी में, मध्य प्रदेश में। नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जल डमरू खाड़ी को पार करना पड़ेगा? मन्नार की खाड़ी को। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कोचीन में। मंगोलवाइड मिलती है पूर्व एशिया में। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। रूर स्थित है जर्मनी में। सुएज नहर की लंबाई 166 किलोमीटर। किस देश को विश्व की छत कहते हैं? पामीर के पठार को। अर्जेंटीना के पास मैदान पंपास। इंदिरा गांधी नहर से किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान का, पानी की वजह से। समझ रहे हैं आप लोग? आप सोचिए कि आपका बुंदेलखंड में कोई नहर आ जाए इस तरह की, तो आप सोचिए बुंदेलखंड के किसानों की हालत बदल जाएगी। केगा किसके उत्पादन के लिए? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। भारत का उपग्रह इनसेट 4V वर्ष 2007 में छोड़ा गया था फ्रेंच गुहाना से। नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग की चोटी है? कुमारू श्रेणी की, हिमालय की।
कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहते हैं? स्टम्बोली ज्वालामुखी को। विश्व का कहवा पतन? सेंटोस कहवा, ठीक है। किस नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? ओसाका को। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में देखने को मिलेगा। तेलुगु गंगा परियोजना की जल किन राज्यों का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री बेंगलोर में। बंगेमम बकिंगम नहर का मुख्य उपयोग नौका गमन के लिए। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पंपास स्टेपीज हैं। नर्मदा ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? सतपुड़ा पर्वत। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया? चेनाव नदी, जम्मू कश्मीर। तटरेखा से समुद्र का वह अधिकतम दूरी जहां किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? ये आप देखेंगे 200 नॉटिकल मील। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लिहासा तिब्बत का। नोबियम यन मरुभूमि सूडान में। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर है? 5+5 घंटे 30 मिनट। आगे हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। फूलों की घाटी उत्तराखंड। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में एक उष्ण जलधारा है। जामनगर गुजरात में कारगत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की तेल रिफाइनरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च को जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल। लद्दाख के एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है? प्रवाहित सिंधु। उदयपुर की जाबर खाने किसकी श्रेणियों के बीच में नदी बहती है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए। नदी कहाँ से आ जाती है? भारत का मौसम मानचित्र किस पिक्चर पर बनाया गया? मार्केटर पिक्चर पर। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। भारत में किस स्थान पर कॉफी और चाय दोनों की खेती होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन? पीटर्सबर्ग में। भारत में किस स्थान पर कॉफी और चाय दोनों? नीलगिरी की पहाड़ियों। और विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन? पीटर्सबर्ग। ये बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वायुयान उद्योग के लिए। सागर माथा के रूप में किसे जानते हैं? एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी बोर्ड सेंटोस। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना को माफ़ करिए, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आपको बताते बताते मैं भी कंफ्यूज हो गया। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करती है, एक तरह से जोड़ती है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी है, या सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें? देखिए 4076 किलोमीटर। किसके साथ? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान से, पीओके वाला हिस्सा लगता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में कंपटीशन चलता रहता है। करंट से जुड़े रही है इसके लिए। विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया में। ब्राजील धारा ए दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल धारा है। विश्व के 7 अबूजों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम में से चीन और भारत के बाद कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? बृहस्पति और शनि, बृहस्पति शनि। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ए कटक में। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? विभिन्न फसलों उगाने के साथ पशुपालन भी करना। और देखिए आप लोग, हमारे यहाँ के किसान यही नहीं करते। अब मान लीजिए आप लोग खेती कर रहे हैं, उसी में आप लोग 2-4 पशु पाल लीजिए, भैंसे पाल लीजिए, तो आप समझिए कि फसल अगर बर्बाद होती है तो कम से कम आपकी सहायता के लिए पशु तो रहेंगे, समझ रहे हैं?
ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र राज्य एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी था? कर्नूल। और आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चंस बन चुका है। मानस नदी की सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। काहिरा मिश्र किस जलवायु क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़े चार राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले बार राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच आपको देखने को मिलेगा। मसाई का प्रमुख व्यवसाय पशुचारण। ओलान उदय नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। बैसाल सेल में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? सिलियम। कौन की? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ LUVL, ठीक है LUVL। कुएल कारू जल विद्युत परियोजना झारखंड में। टाटी पाका रिफाइनरी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। जल चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जल नहीं जब, चंद्रमा किन किन के बीच आता है? सूर्य भगवान और पृथ्वी के बीच। तो इस समय कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। गिलोक पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसे भी हम मैप में बता देंगे, अभी आप लोग याद रखिए। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर जाता है। एक बार मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों से कि एक बार आप लोग उस मैप्स वाली जो सूची है उन क्लास को ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि बहुत फ़ायदा देगा आपको भूगोल में। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं? इन्हें भी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि देखिए ये लग रही है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की। किस राष्ट्रीय मार्ग की सर्वाधिक लंबाई? NH7 या NH44 भी इसे कहते हैं। तारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़, आप सभी जानते हैं पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी अरब सागर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? बृहद निकोबार द्वीप में। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई? जय हिमाचल प्रदेश। रेलवे कोच का कारखाना पेम्बटूर या पेंगम्बूर। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक है? हडसन की खाड़ी। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बराज पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक निहावास सेवा किस राज्य में देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र। डोलडरम ये आप देखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांश को। स्वेज नहर को किन दो सिरों पर स्थित है? पोर्ट सईद और स्वेज। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहेस किसके। बोल्टा नदी परियोजना घाना देश में। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना का। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान चाइना। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ? पेरू में। त्रिनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? इंग्लैंड आयरलैंड। कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कील नहर। पृथ्वी की भ्रमण गति 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? बृहद हिमालय श्रेणी।
हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? 25 मिलियन वर्ष। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति मानी जाती है? देखिए, पानी की बात करें तो आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान होना चाहिए। किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? मंगल। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीवन की परिस्थिति देखी जा रही है मंगल पर। आप सोचिए, पृथ्वी जब छोटी पड़ जाएगी तो मंगल पर भी बसने के विचार हैं। ठीक है, वेली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय तूफान है। बेंगई क्या है? पश्चिमी एशिया की एक जनजाति। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? दामोदर नदी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी रायबरेली। भारत का दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट निकोबार। डिंडीगुल तमिलनाडु। डिंडीगुल कहाँ है? तमिलनाडु। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? वीनस, शुक्र को। विश्व का प्रसिद्ध डॉनबास कोयला क्षेत्र? यूक्रेन में। भारतीय वन संसाधनों के आकलन और विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी, इसका मुख्यालय पुणे पिंपरी। साओ पाउलो किस देश की नई राजधानी है? ब्राजील। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप? मेडागास्कर। अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान है किस देश में? लीबिया, उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका में। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल पहाड़ियाँ। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में देखने को मिलेगी? मेघालय। अमरकंटक पहाड़ से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी? नर्मदा सोन। न्यू मोर द्वीप जो भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? बंगाल की खाड़ी। न्यू मोर द्वीप, याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का एक कारण है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। हारमूज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ओमान ईरान को। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग? ये ओसाका को। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबेगो। अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार? मालवा का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों से लगती है? नेपाल, भूटान, चीन से? सिक्किम। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन? उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन? आंध्र प्रदेश। मालदीव किस महासागर में है? हिंद महासागर। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? मणिपुर में है। भारत में दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है? बेहद निकोबार द्वीप में। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग नाथुला है? सिक्किम की सीमा पर। रेहंद घाटी परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। जीरो अक्षांश और जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है? दक्षिण अंडमान में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी उत्तरी और एंडीज दक्षिणी। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ अक्षांश और 77.12 ईस्ट देशांतर में है? दिल्ली की बात करें। ठीक है, नासिक किस नदी के तट पर? गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नासिक की बात करें, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। स्प्रिंग इक्विनॉक्स से किस तारीख को पड़ता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये आप देखेंगे 21 मार्च। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा? मछली पालना और शिकार करना, ये जनजाति है एक। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोरा की। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार क्रॉस करती है? कांगो नदी। डोरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है? अफगानिस्तान, भारत। एक बात आपको याद बता दें, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वो गलत कर बैठते हैं। जो डोरंड रेखा है, जब तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था,
तब तक आपकी भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, लेकिन अब डूरन रेखा पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। जब मैप देखेंगे वहाँ हम बता भी देंगे आपको, ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर भारत पाकिस्तान और अगर आपका अफगानिस्तान नहीं दिया गया, ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग लगा दीजिएगा ऐसे भी, ठीक है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य मयूरभंज में देखने को मिलेगा। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नैन्सी किस देश की प्रमुख औद्योगिक नगर? फ्रांस का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। सिजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणीय स्थिति को आप लोग सिजगी कहते हैं। अल्बेडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जानते हैं? श्रीहरिकोटा को। नूबियन मरुभूमि कहाँ है? सूडान में। कोलंबिया का पुराना नाम? न्यू ग्रेनेडा। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? कोडाई कनाल में। भारत के सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। तेलुगु गंगा परियोजना एक कृष्णा नदी के जल में आप देखेंगे चेन्नई में। ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टारस की जल संधि। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। हिमालय अभी देखिए आप लोग बहुत नया है, ये बच्चा है एक तरह से, वहीं आप लोग देख लीजिए अरावली को, बूढ़ा हो चुका है। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माण है? बेतवा नदी पर, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में। अल गिजीरा रेगिस्तान सूडान। सूर्य से पृथ्वी तक आने में क्रम प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय, प्रकाश में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में। विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लोहे एस के प्राप्त करते हैं? बाबा बुदन की खानों से। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम? त्रिवेंद्रम। न्यूफाउंडलैंड में कौन सी जलधाराएं मिलती हैं? लिब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन। साराजेवो किसकी राजधानी? बोस्निया और हर्जेगोविना की। यूट किस प्रजाति का घर है? खिड़गीज का। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राड का। राजस्थान की इंदिरा गांधी नगर नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सिक्किम में। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर? भागीरथी। किस देश को श्वेत हाथियों का देश कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का, थाईलैंड। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरिबियन सागर से। आप लोग भी तो सुनते रहते हैं कि चक्रवात आया हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, उड़ीसा महाराष्ट्र की तरफ आता है अरब सागर में आए तो, और बंगाल की खाड़ी में भी उठता रहता है। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। किस ग्रह को लाल रंग लाल दिखाई देता है? मंगल। सोज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सोएज नहर की पूछ रहे हैं, गोदावरी तट कहाँ से आ गया आपका? सोएज नहर की अगर आपसे बात की जाए, एक बार क्या है कि मैप्स याद रखिए, जो आपकी सोएज नहर है ना, ये आपकी आप देखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन से भी बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ मैप में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, उन्हें ज़रूर आपका इसीलिए बोल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर जाती है? प्रशांत महासागर से। रॉटरडम का बेस्ट बंदरगाह कहाँ देखने को मिलेगा? नीदरलैंड में। नीलगिरी पहाड़ियों का उच्चतम चोटी? डोडा बेटा, नीलगिरी की बात कर रहे हैं। और दक्षिण भारत की अनाई मुड़ी।
किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी? प्लूटो ने। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। बाघ रिजर्व किस राज्य में? उड़ीसा। संसार का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश? ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? चीन, यानी कि उत्पादन में सबसे आगे। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को। पृथ्वी के निकट सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष, 4.3। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका से, कि पारिस्थितिकी को नुकसान होगा एक तरह से। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा और वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर है? खिजौर। बाटानगर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण के लिए। भारत किस राज्य में 99 से अधिक भूभाग पर वन? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये भी रिपोर्ट आपकी हर 2 साल में आती रहती है, इस पर आप लोग रिपोर्ट को पढ़ लिया करिएगा। उस रिपोर्ट से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। भूमध्य सागर की कौन जी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कृष्णा गोदावरी द्रोड़ी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? खनिज तेल का। निवार किस नदी के तट पर है? हडसन के तट पर। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक में। चंदन की लकड़ी पर सांप लिपटे रहते हैं, कभी जाके देखा है ऐसा? या देखना बताना। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोहा है? हवाई द्वीप पर। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे का वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? फोकस। माउंट मेकेनली पर्वत शिखर किस देश में? USA में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो। बैरन द्वीप कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप में, समूह में। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राड का। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरिशस। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान? सवाना। उल्का किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को, उल्का पिंड। विश्व की सर्वाधिक अवरोधक प्रवाल भी थी? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में। समय का भूत किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। ज्वार ऊपर, घाटा गिरना, भाटा। जोजीला दर्रा कश्मीर और तिब्बत अब देखें लद्दाख वाले हिस्से में। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। सुंदरबन डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम आपके जो बांग्लादेश है उसके नीचे। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ है? कुमायूं क्षेत्र के हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। विक्टोरिया प्रपात ये आप देखेंगे जिम्बेजी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। कपिलधारा जलप्रपात ये गोदावरी नदी पर आप देखेंगे। पोंग ये आप ब्यास नदी पर देखेंगे। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा लगती है? इसे मैप में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से।
एक बार क्या करेंगे कि सभी जितने भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं उन्हें भी दिखा देंगे। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, मैकमोहन रेखा जिसकी बात कर रहा था भारत चीन के बीच कौन से देशों को अलग करती है, भारत चीन को, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में दो बार परिवर्तन होता है, हिंद महासागर, बुध ग्रह की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है, 88 दिन, मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही, मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप बहुत सारे द्वीपों का समूह है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण हरियाणा, विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप न्यूगिनी द्वीप, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगजी चीन में, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, आप सोचिए इतनी सुंदर जगह है लेकिन वहाँ बसेगा कौन, क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं पटाखा फूटते रहते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है, यूरोप में, इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है, लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र की सीमाओं से, सभी देशों को भी उसमें बताया गया है मैप्स वाली क्लास में कि देखिए सर देश की सीमा इतने देशों को छू रही है, सब प्रैक्टिकली मैप्स का सहारा लेकर, ठीक है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है, पाक स्टेट, समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया, सैंडविच द्वीप का पुराना नाम हवाई द्वीप, किसका पुराना नाम है सैंडविच सैंड चिप, ए अबूजा किस देश की नई राजधानी, नाइजीरिया, जमैका द्वीप किस सागर में, कैरेबियन सागर में, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर, महानदी उड़ीसा में, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा उद्देश्य करना, फिर यह जल उपलब्ध कराना कृषि के लिए या फिर उससे आप देखिए कि आपकी वो बन रही हो बिजली बन रही हो, एक से ज़्यादा उद्देश्य पूरे हो रहे हो। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी, थिम्पू किस देश की राजधानी है, भूटान हमारा पड़ोसी है, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर, यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, नीदरलैंड, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान माउंट आबू, आपको बता दूं कि हमारे देश में बहुत पर्यटन की सुविधा मतलब आप संभावनाएं हैं और आप सभी जानते हैं कि पर्यटन बहुत बड़ा योगदान देता है हमारी जीडीपी में लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। एक तो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था आप देखिए लूटपाट होती रहती है तो लोग डरते हैं आने से, वरना बहुत योगदान दे सकती है अर्थव्यवस्था में। सूर्य पूर्व में उदय होता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, इसका कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है घूर्णन करती है। कुदन कुलम किसके लिए प्रसिद्ध है, परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र सूर्योदय का समय 8 बजे प्रातः, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी आप लोग देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ उगाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, नेवेली ताप विद्युत घर तमिलनाडु में, चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं, स्टेपी प्रदेश को, संसार की रोटी की टोकरी स्टेपी प्रदेश, किस मिट्टी का रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के परिणाम होता है, लैटेराइट मिट्टी का, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात वेनेजुएला में, एंजल प्रपात विश्व का सबसे ऊंचा वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, रांची नगर किस पठार पर देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर के, भारत में स्थित 200 ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम और बैरन द्वीप, टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर देखने को मिलेगी, कराची का स्थानीय समय क्या है, टोक्यो के समय से 4 घंटे 10 मिनट माफ करिए 40 मिनट पीछे है। रेलवे कोच कहाँ बनाए जाते हैं, कपूर तलाव पैरामबूर में, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक संयंत्र के लिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक उत्पादन की इकाई ऋषिकेश में, हाइड्रोकार्बन के स्रोतों की खोज और विकास के संबंध में किस संस्था का है, तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधन दिंगबोई असम में, आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारी पानी संयंत्र के लिए, लोह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी की सहयोग से हुआ था, HSL राउल किला ये आपका जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, ओबरा किसके लिए जाना जाता है, ताप विद्युत घर के लिए। भारत का
पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा? सेंद्री में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अभ्रक में अग्रणी दो देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत पहले नंबर पर है। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? हीरा के उत्पादन में। जर्मनी पोलैंड के बीच सीमा का नाम क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना नदी पर विकसित है, अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन ये डेनमार्क में। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ। दोलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी पर। एलिफेंट दर्रा श्रीलंका में। केप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है, फ्लोरिडा के तट पर आपको देखने को मिलेगा। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिनमें एक आप अरब सागर में, दूसरी बंगाल की खाड़ी में। अमरकंटक उत्तर, अमरकंटक एमपी से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्ताभिषेक किसके लिए जाना जाता है? बाहुबली के लिए। विश्व के लिए महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है, यूरोप। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर। अरब अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? क्वींसलैंड उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दुआब किन दो नदियों के बीच है? चिनाब और राबी के। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? गोंड। भारत का पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, ठीक है, याद रखिए। कोबरा किस राज्य में? कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, सन 2000 की बात है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजहा किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में। सराजेवो किस देश की राजधानी? बोस्निया और हर्जेगोविना। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। क्यूरोसियो कैसे चल जलधारा है? गर्म जलधारा। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पेनेटोवो, ठीक है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पेरिज। हिमालय पर्वत मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ? मलाजखंड। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, एक रेड क्लिफ साहब थे उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के समय में हुई थी। मेंटूर बांध, कोबरी नदी। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज। जोग जल प्रपात शरावती नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और किस जिले में है? मंडला जिले। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल MP अमरकंटक। तिरुपति आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में? अमेरिका। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा बरेली से लिंक मुंबई। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट बेहद निकोबार द्वीप में, ये बता चुका हूँ, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत में, ठीक है। जोजीला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध कर्नाटक में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में। तस्मानिया किस देश का भाग है? न्यूजीलैंड का। सेंट हेलेना किस महासागर में देखने को मिलेगा? सेंट हेलेना ये आप देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चीखता साठा के उपनाम से जानती हैं? पछुआ पवनों को। यूरो महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत का कॉपर प्लांट मलाजखंड में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग में सर्वाधिक लंबाई है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में? मिस्र में। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक है? हडसन की खाड़ी हॉलैंड में। समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से? पोल्डर। हून किस देश की नई राजधानी? लीबिया। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जसंति। कोटेश्वर बांध निर्माण किस नदी पर है? भागीरथी। मॉन्ट्रियल किस नदी तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी। मॉन्ट्रियल
ये आप देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी के तट पर देखने को मिलेगा। भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसमें आप देखेंगे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, इन सब की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाती हैं? तो याद रखिए महासागरों और सागरों की लवणता को। कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। स्लेट किस प्रकार की चट्टान? रूपांतरित। औद्योगिक क्षेत्र नैंसी ये फ्रांस में देखने को मिलेगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब आप देखेंगे पृथ्वी सूर्य के निकट हो। पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? 1 डिग्री प्रतिदिन की। राजस्थान की किस गंग नहर को पानी की किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। गंग नहर को सतलज से पानी प्राप्त होता है। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार ये झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भारत में टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहते हैं? इस्तांबुल को। फॉकलैंड धारा प्रभावित होती अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। बॉस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को। इन सब को भी हम लोगों ने वहाँ बात किया हुआ था और दिखाया था कि देखिए जोड़ रही है। विश्व पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या 7 तक हो सकती है। आप सोचिए हम लोग कच्चा तेल का उत्पादन नहीं करते, हम लोग 70-80% हम लोग आयात करते हैं, समझ रहे हैं? हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम लोग देखिए कि अपना पूर्ति पूरी कर सकें, समझ सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि वर्तमान में सर्वाधिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? पोप ग्रेगरी 13 को। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लेगून झील। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में देखने को मिलेगा। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप देखने को मिलेगा? अजमेर में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ? अजमेर में। कार्डोमम हिल केरल में। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, यह देश कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में, वेटिकन सिटी। फेयरवेल के देश का दक्षिणतम बिंदु है न्यूजीलैंड का। कालीकट कोचीन वेरावल नगर किस लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन इसे भी देख चुका हूँ। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। चलिए आगे वहीं हम लोग रहेंगे हैं, वहीं यही काम करेंगे अच्छे से। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य में देखने को मिलेगा? ये अंडमान निकोबार द्वीप में। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध? ये नागार्जुन बांध देखेंगे आप लोग। खमेर रूज किस देश से संबंधित? कंबोडिया में देखने को मिलेगा। किससे? कंबोडिया से। उत्तरकाशी नदी तट पर स्थित भागीरथी नदी के तट पर पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई? हिमाचल प्रदेश। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? ये बेहद निकोबार द्वीप में। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है? चीन और जापान के बीच। चीन की आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि जितने भी देशों से चाइना की सीमा लगती है सभी से सीमा विवाद चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि एक समय जो अंग्रेजों का शासन की बात होती थी हड़प करने की, वही आजकल आप देखेंगे चाइना भी उसी नीति में लगा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? वही काम आपके चाइना पड़ोसी का भी है, हमारा दोस्त, समझ रहे हैं? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ईयूट किस प्रजाति का घर है? खरगोश का। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा से संबंधित है? 82.5 डिग्री आपकी देशांतर जो है ये आप देखते हैं कि इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है, और भी बताएंगे कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। कहाँ की आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी। सैंडविच द्वीप कहाँ हवाई द्वीप का पुराना नाम था? हून। हून किस देश की राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी।
अफीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। जेरूसलम इसराइल में। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है? जेरी में। कांगो जारी जेरी। भारत में विशाल बंदरगाहों में से एक निहाव सेवा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। खासी और जयंतिया की पहाड़ी मेघालय। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला। हिमालय की चोटी नामचे बरवे असम में। भारत की टोफो ग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ? मलाजखंड में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी। पनावा जलडमरू आर पार नहर खोदने का विचार हम्बोल्ट ने। विश्व का कहवा पतन किस नाम से? सेंटोस। हेलीपुचल तारीख और सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा? दीर्घ वृत्ताकार। पराउज जल संयोजक किन द्वीपों को अलग करता है? तो याद रखिए, तो आपका होकेडो है और साखालीन द्वीपों को। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार पूछ लिया है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। और ये आप बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे बड़ा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमोस्टेक किस राज्य में देखने को मिलेगा? ये आपको दक्षिणी डकोटा में देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? इसका एकांकागुआ। ये आप याद रखिए, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा एंडीज पर्वतमाला। और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। आप सभी जानते होंगे पुर्तगालियों ने हमारे ऊपर राज किया, वास्को डी गामा के नाम सुने होंगे आप लोग। कनाडियन नेशनल रेलवे कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? हैलीफैक्स से आपको वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये आपको देखने को मिलेगा देहरादून। कहाँ? देहरादून में मिलेगा। और याद रखिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पठारियाँ किस देश में आपको देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? ये था आपका बार्थोलोमियो डियाज। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये अरब है। इसके अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ देखने को मिलेगा? ए बारालाचा दर्रे के निकट चेनाब नदी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गौड़वाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की बात करूँ गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगा और किस नदी पर है? उड़ीसा में देखने को मिलेगा, महानदी पर। ठीक है, रवांडा की राजधानी किगाली। उसके लास्ट में आप देखिए कि सभी को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आपकी जितनी भी राजधानियां हैं, देशों के बारे में जो भी पॉइंट हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए मैप वाली प्लेलिस्ट सूची को। ठीक है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में देखने को मिलेगा? सिसिली इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पीरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। डोडोमा किस राज्य की राजधानी? तंजानिया। युगांडा कंपाला। देखिए इतने सारे देश हैं, इनके बारे में सबके बारे में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी की बता रहा हूँ कि सबको याद रख पाना मुश्किल होता है। तो याद रखा करिए कि जो देश सबसे ज़्यादा चर्चा में हो, जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हो, उसके बारे में ज़रूर 2-4-10 पॉइंट याद रख लिया करिएगा, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है? माफ करिए न्यूनतम, 1-3 जनवरी को देखने को मिलेगा, अधिकतम 4 जुलाई को।
एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। आपको दहाड़ता चालीसा क्या है ये आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में आपको 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां आप देखेंगे तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, ऐसे ही आप कहते हैं दहाड़ता चालीसा। माओरी जनजाति कहां निवास करती है, न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर, इसे आप लोग राजस्थान नहर के नाम से जानते थे पहले। भाखड़ा नांगल परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं आप लोग, गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारे की संख्या दी गई है, तो मंगल को, या फिर लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है, याद रखिए रोकीच की है उत्तरी अमेरिका में। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग की को किस नाम से जानते हैं, पोल्डर के नाम से। लंदन की किस नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ये बेंगलोर में, इसरो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। किस देश के घास के मैदान पपास कहलाते हैं, किस देश में, ए अर्जेंटीना। ठीक है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में देखने को मिलेगा, पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। ये आपको बता चुका हूँ, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत अमेरिका में देखने को मिलेगी सभी पहाड़ियाँ। बहुत ज्वार उस समय आता है जब आप देखेंगे, बेहद ज्वार पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, बड़े ज्वार। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैवाल सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है, इस कृष्णा नदी पर, किस पर, कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो चंबल नदी पर, एमपी से निकलती है आपकी है। ठीक है, जोजीला दर्रा किन को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। ठीक है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं, इग्लू। क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नदियों के ज्वार नदमुद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है, गरान, या इसे आप लोग मैंग्रोव भी कहते हैं। गरान के नाम से तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैंग्रोव के नाम से जरूर मालूम होगा। बुम्बकूप ये आपको देखने को मिलेगा, अवसादी सेले हैं। हूवर बांध ये आप देखेंगे कोलोरेडो नदी पर। बेस्ट बैंक नमक चित्र किस नदी के पश्चिम में देखने को मिलेगा, ये आपको जॉर्डन। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली जो आपकी 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को देखने को मिलेगी, एक तो आपको इसमें देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है आपका कनाडा। ठीक है, 49 डिग्री जो आपकी समानांतर अक्षांश देखने को मिलेगी, ये दो देशों की सीमा बनाती है, एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा कनाडा है। ठीक है, ये है आपकी ओवरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश की है आपकी, उत्तर प्रदेश। किस देश में ट्यूलिपी की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध होती है, ये आप देखेंगे नीदरलैंड में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई थी, 1902 की बात है,
शिव समुद्रम, ठीक है, शिवा समुद्रम या शिव समुद्रम। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में ये निवास करती है? ये आप देखेंगे नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड, पूर्व भारत में देखते हैं ना, पूर्वी भारत में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? ये म्यांमार। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे कि सभी राज्यों को अपना देख लेंगे, किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम ये किस राज्य में देखने को मिलेगा? मेघालय। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? बस्तर। याद रखिए बस्तर आपका अब छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है इसका कुछ, और बस्तर अगर जिले की बात करें तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? ये आप देखेंगे सतलज नदी से, जो आपकी सतलज नदी है इससे आपका गंगा नहर निकलती है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर देखने को मिलेगी? ये आपकी तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में? गुजरात में। वरौनी तेल शोधन कारखाना ये आप बिहार में। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास, इन्हें सेल्वास। अफ्रीका में आसवान बांध ये आप नील नदी पर देखने को मिलेगा। रबात किस देश की राजधानी? मोरक्को। देखिए ये भी बदलता रहता है, हर दो साल में आपकी गणना होती है वनों की कि कहाँ कितना है, ठीक है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी? सेरा लियोन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध ये जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का क्या नाम है? स्वेज और पोर्ट सईद। देखिए लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग वर्ल्ड मैप भी देख लेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ देशों में उसमें भी बता दूंगा। बुल्गारिया की राजधानी? सोफिया। वकेश्वर ताप विद्युत केंद्र ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार? वेनेजुएला। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ या पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना 1881 में हुई थी अंग्रेजों के समय, लॉर्ड रिपन। किशनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम। विम्बनाथ झील एक केरल में देखने को मिलेगा, विम्बनाथ केरल में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ? कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा यकाएक गिर जाने के किस प्रकार के मौसम का संकेत देता है? आप देखते हैं कि बैरोमीटर का जो पारा भरा था ये एकाएक अगर गिरता है तो किस ओर संकेत करता है? तूफानी मौसम के लिए, ठीक है, कि तूफान आने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिप रेखा द्वारा। गोभी मरुस्थल मंगोलिया में देखने को मिलेगा। सोफिया किस देश की राजधानी? बल्गेरिया की, बल्गेरिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, यह पार्क राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलेगा? बाड़मेर और जैसलमेर में। रीटर द्वारा रचित आर कुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख किया गया है? ये महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में देखने को मिलेगी। राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? ये आपकी सरसों की है। किस भूगोल वेता को मानव भूगोल का जन्मदाता मानते हैं? ये है आपके फ्रेडरिक रेटजेल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? एक खान है आपकी, खदान आप जानते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे सोने के उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन। थारू जनजाति भी आप देखते हैं, ये निवास कहाँ किस राज्य में देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक संभावनाएं देखने को मिलेगी? ज्वारीय ऊर्जा।
सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में आप देखेंगे सेंट मैरी प्रपात देखने को मिलेगा, और सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? सू नहर। लैंड ऑफ सीनिंग सन के नाम से कौन से देश को जानते हैं? जापान को। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंसु द्वीप। राजस्थान इंदिरा नहर, देखिए राजस्थान नहर को अब इंदिरा नहर के नाम से जानते हैं, पहले आप लोग राजस्थान के नाम से जानते थे। तो ये देखेंगे आप लोग सतलज नदी पर बनी हुई। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये आप देखेंगे नर्मदा नदी पर। ये आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये आपकी जाके खंबात की खाड़ी, अरब सागर, गुजरात के पास गिर जाती है। उच्च रक्तदाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती हैं। सीवान हो गया, झरिया, कुंदेमुख, सिंहभूम, ये सभी लोह क्षेत्र हैं, लोहा का उत्पादन होता है इनमें से। कहाँ? कुंदेमुख में। ओजोन परत समताप मंडल में आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिए ओजोन परत का सीधा सा काम वही है कि जो हानिकारक किरणें हैं उन्हें रोकना। और एक बात याद रखिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चंस आपकी कई बार पूछ लिया है। पृथ्वी के निकट दूरी पर ग्रह, ये आप देखेंगे वीनस, शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश, ये आप देखेंगे 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मिट्टी से ग्रसित होते हैं, इसे कहते हैं आप लोग चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें आप देखेंगे पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, पानी के लिए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में आप देखने। भूगोल में नव नीतिवाद किस सिद्धांत का प्रतिपादन? जी टेरने। नागार्जुन सागर परियोजना एक किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। सवाना घास के मैदान, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें आप लोग सवाना कहते हैं। एक बात और आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में इन घास के मैदानों से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है, तो इन्हें सबको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। इनमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज मत रखिएगा। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है और जिसमें आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात? ये आप देखेंगे 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई? ये आप देखेंगे 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है? 7,516 लगभग किलोमीटर, ठीक है? इतना याद रखिए लगभग। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? पहाड़ी, 11% के आसपास। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? ये थे आपके एमंडसन, कहाँ के थे? नॉर्वे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का आपको नाम बताना है जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे 6,960 मीटर देखने को मिलेगा। यह है आपका अंकागुआ, आकोंकागुआ। ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वाल। घना बगरिया और सकरिया, ये लोक नृत्य किस राज्य में की प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पपुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? ये 1500 मीटर आसपास देखने को मिलेगा। नहर कटिया क्षेत्र असम राज्य में देखने को मिलेगा। ची हुआ हुआ जस्ता व चांदी के प्रमुख खाने कहाँ हैं? मैक्सिको में। विदेशी में बड़े अजीब नाम रखे जाते हैं, समझ रहे हैं? कोंडरमा किस खनिज का खनन है? ये अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित क्या होता है? आद्रबल तापमान अपेक्षित आर्द्रता।
पर्वत शिखर लहोत्सव किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जे फ्रीज। पोर्ट ओ प्रेंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ओ प्रेंस हेती की और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबोगो की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में, वो किस पर्वत पर देखने को मिलेगा? ये आप देखेंगे इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। हीराकुंड योजना उड़ीसा में, किस राज्य में? उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? ये आप देखिए 49B जो समानांतर रेखा है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। अगर आप मान लीजिए कि 1 डिग्री कहीं भी बढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें 4 मिनट का फर्क रहेगा, ठीक है? तो इसी तरह से तो आप लोग समय निकाल लेते हैं। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय चट्टानों में। मेसेटा पठार ये स्पेन में देखने को मिलेगा। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर। सेरीकल्चर का किससे संबंधित है? रेशम से। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से? सेनकोना की। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ये आप देखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार लिटिल वेनिस, ये आप लोग वेनेजुएला को जानते हैं इस नाम से, एक तरह से आपका वेनेजुएला का नाम है उपनाम लिटिल वेनिस। लाई जनजाति ये म्यांमार में देखने को मिलेगी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में? मेघालय में देखने को मिलेगा। ये विश्व का है, भारत का छोड़िए दुनिया का बोल रहे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ए ग्रेट ब्रिटेन के। बेकाल झील रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नहर गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम केरल में देखने को मिलेगा। चीड़ फर स्पूस और लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी बाकू। एल मिट्टी ज्वालामुखी किस देश में देखने को मिलेगा? पेरू। सराजियो किस देश की राजधानी? बोस्निया और हर्जी गुइना। क्यू रोसी सीओ कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पेरिनीज। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होता है? पूर्व दिशा में बहती हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत। एवट किस प्रजाति का घर है? खिरगीज का। बेरिंग जलडमरू किन देशों को अलग करती है? अलास्का और रूस को। ब्राजील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसका मुख्यालय बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? एक तो रूस और दूसरा है जापान के बीच। कौन सा शहर मोती का पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं? सिंगापुर को। घना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जानते हैं? इसमें इसे आप लोग केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है? एक तो आपका भारत है, दूसरा श्रीलंका। विशाखापट्टनम और कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना कब की गई थी? ये आप देखेंगे विशाखापट्टनम में 1957 और गुजरात में 1965। राजस्थान भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना है? गंगानगर में। चुकंदर आप देखते हैं उससे भी चीनी बनती है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है यूरोप।
कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत की कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और पेंडार का। मुथुआन मलकुरवान और सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्टिक चट्टान। और याद रखें, जनजातियों से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। यूराल अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? ए हर्सियन भू हलचल के कारण। गोंडवाना क्षेत्र खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए विख्यात है। कोयले के भंडार भारत का अग्रणी राज्य झारखंड देखने को मिलेगा, उड़ीसा झारखंड यही है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में आप लोग देखने को मिलेगा आपको। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान ए नागपुर। कुआली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनरिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर। केसर आप लोग देखते हैं ना, बहुत महंगा होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी चिली में। लश्कर ज्वालामुखी चिली। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। यूएसए का था गैलीलियो। बर्किना फासो किस देश का नाम है? अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच है? पीर पंजाल और इसमें आप देखेंगे जास्कर श्रेणियों के बीच, ठीक है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर देखने को मिलेगा? भागीरथी और दूसरा आप देखेंगे अलकनंदा के। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम, एक तो आप देखेंगे कालगुलो और दूसरी कुलगाडी। बुडापेस्ट बुखारेस्ट और वेना और बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? ये डेन्यूब नदी के। देश का सबसे बड़ा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है और किस नदी पर है और इसकी लंबाई? ये देखेंगे महानदी पर आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई देखने को मिलेगी 4800 मीटर 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जानते हैं? पारे को, मरकरी को। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी? लेबनान की। किसकी? लेबनान की। पायरोवलास्टिक्स क्या होता है? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने होती है। असवान बांध जो आप देखते हैं कि अफ्रीका में देखने को मिलेगा किस नदी पर? नील नदी पर। किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। किसे? पामीर क्षेत्र को। समझ रहे हैं? राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? कई बार क्वेश्चंस बन चुका है। सतलज ब्यास से। टोडा जनजाति ये आप देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय रेखा ये आप देखेंगे 82.5 डिग्री। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। एमपी में आप देखेंगे बीड़ी के उद्योग भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये जो तेंदुपत्ता होता है इसी से बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र ये आप देखेंगे चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस साल में हुआ था? ये 1884 की बात है और आप सभी को मालूम होगा कि 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन सा देश पहले सियान के नाम से जानते थे? इसे थाईलैंड को। थाईलैंड भी जाते रहिए। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जानते हैं? बेंगलोर को। पाकिस्तान की समुद्री तट का भौगोलिक नाम? इसका मकरान तट है। क्या है? मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया में। आपको भेड़ देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में अधिक।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनिकी सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है आपका। आंध्र प्रदेश का वंगम पल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। और एमपी में आप देखते हैं कि पन्ना भी आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? जोब मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेंजीमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर आता है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो आप देखेंगे चाइना के बाद हमारा, यानी कि दूसरे नंबर पर हमें। और क्षेत्रफल में देखिए, पहले नंबर पर आपका रूस देखने को मिलेगा और सातवें नंबर पर भारत। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर देखेंगे पाकिस्तान से? जम्मू कश्मीर की लगती थी, लेकिन आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अब आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर। महाबलेश्वर राज्य किस राज्य में? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। दंडकारण योजना, ये छत्तीसगढ़ नक्सलवादी है, ये मतलब प्रभावित क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। याद रखिए, भारत और नेपाल की बात की जा रही है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ? कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। विश्व का प्रसिद्ध डॉनबास कोयला क्षेत्र, ये यूक्रेन में देखने को मिलेगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट देखने को मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर जाती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनको भी याद रखिए, कावेरी नदी विवाद भी आप लोगों ने सुना होगा। काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। भारत के कांच कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बोकारो और भिलाई स्थित लोह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से लगाए गए थे? पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना एक किस राज्य में देखने को मिलेगी? केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना बनाने का कहाँ स्थापित है? रानीपेट चेन्नई। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण भोपाल, एमपी की राजधानी है भोपाल। हल्दिया तेल शोधन कारखाना ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। जौन सारी खरवार और थारू प्रजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। ये भी आपकी जनजातियाँ हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा केरल में। नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालती है? ये तमिलनाडु से निकालता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस के कहा जाता है? तो याद रखिए, आपका स्टम्बोली ज्वालामुखी। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता था? ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट और काकीनाडा तट। नर्मदा नदी ये अमरकंटक एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांकागुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन खान होमस्टेक किस राज्य में देखने को मिलेगा? ये आपको दक्षिणी डकोटा में,
रिहंद योजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर है? मिसिसिपी और मिसौरी। पंजाब का डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, यही नदी बनाती है मिसिसिपी। विदर्भ किस राज्य की एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र के एक भाग का। भू आकृति विज्ञान में किसको सांगोपांग वर्णन किया जाता है? वर्णन किया जाता है तो यह भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों को, गुड़। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ देखने को मिलेगा? पुणे। स्कॉर्पियो आप लोग सुनते होंगे। पख्तूनिस्तान किस क्षेत्र? अफगानिस्तान में है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पगने किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा में। स्टार जहाँ है कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा? सीरियस। अफ्रीका देश का घना पुराना नाम? गोल्ड कोस्ट। बोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में, मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में स्थित है? बेकाल झील रूस में। ग्रेन बीच होकर कौन सी मध्यान रेखा गुजरती है? प्रधान मध्यान रेखा, प्राइम मेरिडियन। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिप्ट घाटी। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। मा आरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। सुवा किस प्रदेश की राजधानी है और किस देश, कहाँ है ये देश? फिजी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? गोविंद सागर। किस नाम से? गोविंद सागर। एटना, स्टॉम्बोली, फ्यूजियामा, वेसुवियस, ये सभी ज्वालामुखी हैं, पता है? इनमें से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? वेसुवियस। ओंगे जनजाति जो प्रयाग विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी? अंडमान क्षेत्र में निवास करती है। अगर आपको संस्कृति देखना है कि अपनी संस्कृति जिन्होंने बचा के रखी हुई है वो है जनजाति। आप सोचिए वो जिस परंपरा में जीते थे, जो संस्कृति थी वो आज भी उनमें देखने को मिलेगी। और जो असली संस्कृति आप कहते हैं, हम तो देखते हैं बदल गए हम लोग सब। भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह ये पारादीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये आप देखेंगे? 76,880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? समुद्रिक सेल। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। रावी चेनाब झेलम ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? यह है ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लोहे खदानें किस राज्य में देखने को मिलेगी? उड़ीसा। मेडागास्कर की खोज 1500 में की थी डी गोदियाज द्वारा। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी कर्नाटक में देखने को मिलेगी, कहाँ? कर्नाटक। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। बेरिंग जलडमरू किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट एक केरल में आपको देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? केरल में देखने को मिलेगी। नॉट किसका मात्रक है? वायु की गति का। कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? गुजरात में।
सिनी ओलचू पर्वत शिखर ये सिक्किम में, हाथी घास ये आप देखेंगे सबाना प्रदेश में, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ये ध्रुवों पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा होता है। लघु ज्वार की समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं केरल में। कौन सा ग्रह हरे विकास को उत्सर्जित करता है तो यह है यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग, उस सागर का नाम आपको बताना है जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है तो यह है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप आप देखते होंगे, अफ्रीका आप देखते होंगे, एशिया भी देखते होंगे। चलिए आगे हम देख लेंगे सब कुछ। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए उपयुक्त होता है, न्यूजीलैंड। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। दो ज्वार के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है, 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। कील नहर किस देश में स्थित है, जर्मनी में। सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, टैगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है, हुसैन सागर। पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। इसे भी देख चुके हैं हम लोग। जितनी बार आप सोचिए, देखिए आप लोग कि जितना क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेता है। दमिश्क के किस देश की राजधानी, सीरिया। वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है तो यह है आपका आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक परावैगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन मंडल करता है, ओजोन मंडल। भारत की अक्षांश विस्तार ये आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, ठीक है, अक्षांश की बात कर रहा है। और यहाँ आपको उत्तरी अक्षांश जरूर बोल रहा है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है, रूस जापान। किसके, रूस और दूसरा जापान। भारत की रूप नारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, केबल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ता जाता है, वृद्धि देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, रिप्ट घाटी। हम्बोल्ट धारा ये देखेंगे आप लोग दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह, बुध और शुक्र। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई है तो इन्हें याद रखिए, इनमें कई बार पूछ लेता है आपका। एक आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चार ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या, आंतरिक ग्रह। इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच कौन विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात देखने को मिलेगा, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान कैप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते समय वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जाते समय पछुआ पवने अनुकूल होते हैं लेकिन लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और देखिए आप लोग, पर्यावरण हो इससे सभी देश प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ही होता है और बाकी छूट जाए, ठीक है। ग्रीस में
ग्रीन ग्रीन पीस, कौन सा ग्रीन पीस। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? प्रातः काल, सुबह के समय। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे सामान्य कब से कब तक होता है? जून से सितंबर के बीच। जून में आप देखते हैं आ जाता है, सितंबर तक खत्म होने की कगार पर होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी। क्या था? अल मसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे गोदावरी नदी? ठीक है, यानी कि देखिए बड़ा क्षेत्र इसका, लंबी नहीं, बहाव क्षेत्र में। कश्मीर की सिंधु पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला। क्या कहते हैं इसे? काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? फिल्ला है। ठीक है, किसानों को यहाँ की बात कर रहा हूँ। किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, आइसोप्लीथ लाइन कहते हैं इसे। दोलन तरंगित सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हरमन महोदर साहब ने। कब? 1930 में। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के परता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये आप देखेंगे 107,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसीलिए आप देखते हैं कि 365 लगभग दिन में कंप्लीट कर लेता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ये तो देखी या नहीं देखी। ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है? ये उज्बेकिस्तान में। कोचीन का जुर्बानगर एर्नाकुलम। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पातालीय अग्नेय सेल में। मैरियाना ट्रेंच ये आप देखेंगे फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में, सबसे गहरी प्रशांत महासागर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी। सुवा किस देश की राजधानी है? फिजी। कोलंबिया का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से। सितारों और पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक प्रकाश वर्ग स्टार के बीच तारों लाइट ईयर। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य ये असम में देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, एकांका गुआ। देखिए एंडीज पर्वतमाला की अगर पूछे आपसे और दक्षिण अमेरिका की, तो याद रखिए एकांका गुआ है। श्री सैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। फिजियोग्राफी किसका वर्णन करता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाभिक को जाता है? बार्थोलोमियू डियाज को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल रेड किस कारण से दिखाई देता है? अन्य रंगों की तुलना में आप देखेंगे लाल रंग का पिकीडन कम होने के कारण। भारत का मानक समय रेखा ये आप देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी से हमारा समय निर्धारित होता है। यूरोप का रोगी मरीज या रोगी तुर्की को कहते हैं। बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल यूपी। उत्तरी अमेरिका के किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। यदि भारतीय मानक समय रेखा के पूर्वान 10 बजे हों तो आप देखेंगे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38। एटक ज्वालामुखी इटली में, कहाँ? इटली। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपतट
खंड कहाँ देखने को मिलेगा? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य से निकटतम और दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह है? बुध और शुक्र। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की। मर्कोसुर बना है लेटिन अमेरिका के देशों के समूह से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? हीरे का। ठीक है, अपना धुरी पर, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो याद रखिए यूरेनस को, अरुण को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कई बार पूछ लेता है ग्रह, तो याद रखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी बुध, फिर आप देखेंगे शुक्र हो गया, फिर आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इसे हटा दिया गया है प्लूटो को। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले बुध मिलेगा, फिर आपको शुक्र मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो अब हट चुका है ग्रहों की श्रेणी में से। ठीक है, सम्मिलित रूप में नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड। आप देखते होंगे कि कई इंडेक्स आपके निकलते हैं तो उसमें टॉप यही आपके एक तरह से रहते हैं देश, अच्छी स्थिति है इन देशों की। प्रकाशीय तंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? मेघों की दिशा और गति का, बादलों की। गोल्डन गेट ब्रिथ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल कारण के कारण केप ऑफ गुड के हॉब मार्ग से गुजरते हैं, स्वेज नहर के जलमार्ग से। स्वेज नहर बहुत बड़ा व्यापार होता है इस क्षेत्र से। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर जाती है? ये आप देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और कर्नाटक। पीर पंजाल, बुंदेल पीर और बनिहाल किस पर्वत श्रेणियों के प्रमुख दर्रे हैं? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में देखेंगे। राजस्थान स्थल मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल। और इसका भाग देखते होंगे आप लोग कि कुछ इसका भाग आपका पाकिस्तान में भी पड़ता है। भारत की अगर हम लोग अक्षांश और देशांतर की बात करें, पीछे भी इसमें देखा था, तो ये आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और ये आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की में फैला हुआ है एक तरह से। केटू गार्डविन ओस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? काराकोरम। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, पालघाट। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? हवा की गति। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त, इसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक है? युवा अवस्था का। युवा अवस्था जानते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। टुम्बोलो नामक स्थल आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सागरीय लहरों के। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को माना जाता है? इंडोनेशिया को। किसे? इंडोनेशिया को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? लियाना। सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच देखने को मिलेगी? कावेरी और पिन्नार के। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? बनिहाल दर्रे को। मछलियों के अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? इकेथोलॉजी के अंतर्गत। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने ये राजस्थान में देखने को मिलेगी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन पलनी पहाड़ियों में।
विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य देखने को मिलेगा। कुंदेमुख लोह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नेहावासेवा। जम्मू कश्मीर में स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। ब्यूनिस आयर्स किस नदी के तट पर है, लाफलाटा। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा, ये ब्राजील में देखेंगे आप लोग। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ, ये हेलीफैक्स से आप देखेंगे वैंकूवर तक। यूरोप का गरम कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। भारत की स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए गए, सर्वे ऑफ इंडिया। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक, महाराष्ट्र में। समुद्र पर चांदीपुर किस राज्य किस बात के लिए जानते हैं, मिसाइल टेस्टिंग के रेंज के लिए। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट, ये आप देखेंगे ऋषिकेश में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग होने वाली द्वीप को क्या कहते हैं, श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान से होता है, बैरीनाग। कुंदेमुख लोएस का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह, न्यू मंगलोर। बुशमैन खिरगीज मुख्यतः क्रम से कहां पाए जाते हैं, ये आप देखेंगे बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में, खिरगीज ये आपका मध्य एशिया में देखने को मिलेगी, ये आपकी जनजाति है, ठीक है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर जाता है, ये अटलांटिक महासागर। क्रेटिशियस युग में स्थल के दो भाग थे, उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड के नाम से जानते थे और दक्षिणी भाग को आप जानते थे गोंडवाना लैंड। चिल्का झील किस प्रकार का झील है, लैगून झील। मालागासी सोकोत्रा जंजीवार। कुमोरो किस महासागर की द्वीप है, हिंद महासागर। हम देखते ना हमारे नीचे ही हिंद महासागर है, भारत के नीचे आप देखेंगे। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन, न्यू फाउंडलैंड में। विश्व के तीन प्रमुख मौसम केंद्र बताना है आपको, मेलबोर्न, मास्को और वॉशिंगटन। महोगनी रोजवुड आयरनवुड सेडार सरू इबोनी, ये सभी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा नाम से। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा आइसोहेल। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब क्षेत्र क्या कहलाता है, अश्व अक्षांश से डॉल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवने। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है, मालवा पठार में। बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली भी कहते थे इसे, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, ये सभी नाम सुने होंगे ना। मिट्टी की अम्लीता या फिर क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, पीएच मान के आधार पर। देखिए इसमें बताया हुआ आपको कि 14 आपके स्केल में 14 आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे 7 से, अगर 7 को देखें तो ये उदासीन माना जाता है,
और इससे कम जाएंगी सात से तो अम्लीय और आगे जाएंगी क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहते हैं, सुंदरबन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट महत्वपूर्ण है, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। पिन कोड संख्या के आखिरी तीन अक्षर अंक क्या सूचित करते हैं, डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। आप देख भी लीजिएगा, अपने यहाँ चेक भी करिएगा। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य देखने को मिलेगी, तंजानिया, कीनिया और जायरे के बीच, इन तीनों। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किन प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है, समशीतोष्ण पर्णपाती। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किस काम में आता है, प्रेंट वर्निस कीटनाशक सेलुलर निर्माण में। ठीक है, मध्य प्रदेश का त्रिपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। ठीक है, सौंदर्य प्रशासन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है, हल्दी। आप समझ रहे हैं, जो सौंदर्य मतलब रहते हैं कि जो साधन जो आप प्रोडक्ट लगाते रहते हैं, इसमें हल्दी सबसे ज़्यादा उपयोग होती है और हल्दी सेरेमनी समझते होंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ, उत्तराखंड। कहाँ है आपका, मेघालय में। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, सवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, मिट्टी का आवरण, या फिर आप देखेंगे आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगाकर। पौधे देखिए एक काम नहीं करते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुउद्देशीय बांध होते हैं, तो इसी तरह से आप कई उद्देश्यों को साध सकते हैं वृक्ष लगाकर। लेकिन हम लगाते कहाँ हैं, सरकारें आप देखिए करोड़ों का फंड वितरित करती हैं, पेड़ लगा दिए जाती हैं, उनकी जब रखवाली नहीं करते हैं तो वो सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कि सड़क के आसपास लगा दिए जाते हैं और उनमें लगाने के बाद भूल जाते हैं, उसके बाद उनका काम तमाम हो जाता है। भारत में पहली ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली से कहाँ खोला गया था, नाम से एक कानपुर में, कानपुर यूपी। इडुक्की जल विद्युत परियोजना एक केरल में आपको देखने को मिलेगी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन में क्षेत्र में बांटा गया, 8। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी और किस देश में देखने को मिलेगा, एंडीज पर्वत श्रेणी, इक्वाडोर में। तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तिस्ता नदी किस बेहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत है, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल या उत्तराखंड, देखिए उत्तरांचल उत्तराखंड का ही दूसरा नाम है और सबसे पुराना है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। सेसा सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती थी, कलकत्ता से पेशावर को। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, प्लूटोनिक चट्टानों में। आप लोग बताइए, यहाँ सेसा सूरी का नाम आ ही गया है, इतिहास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में। इसका मकबरा कहाँ है, सेसा सूरी का मकबरा। और आप समझिए कि इससे क्वेश्चंस आपके एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बड़ा ही सरल है। इतिहास की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें कई बार रिपीट भी हुआ था क्वेश्चंस। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ब्राजील। ब्राजील। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र को मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, नौगम है।
आप देखते हैं नाव वाव, ये अब तो बहुत कुछ होने लगा है और बड़ा सस्ता पड़ता है, आपको पता है। और पता होना चाहिए कि इससे माल ढुलाई भी आसानी से हो सकती है और सस्ते बजट में हो सकते हैं। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? ये गोदावरी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मनिकीकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय? पुणे में। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी है? रिफ्ट घाटी। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य देखने को मिलेगा? तंजानिया, कीनिया और जायरे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय? जून से सितंबर। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत? भागीरथी और अलकनंदा। लैंस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में देखने को मिलेगा? उत्तराखंड, उत्तरांचल। शिव समुद्रम जलप्रपात? एक कावेरी नदी पर। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल की दूध डेयरी, अमूल खरीदते हैं ना, अमूल की। अरब सागर बंगाल की खाड़ी विख्यात है? पाक स्टेट। ये दोनों इसे अलग करती हैं, ठीक है, इन दोनों को पाक स्टेट अलग करता है। पाक स्टेट आप देखेंगे भारत और श्रीलंका को भी अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड? अंटार्कटिका। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड टैंक रोड के नाम से जानते हैं? NH2 को। भारत प्रधान यमुत्तर किस ओर पड़ता है? पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में और अथवा देखेंगे इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना ऋतु के हिसाब से। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। खासी गारो जयंती है मुख्यतः कहाँ? मेघालय में। याद रखिए खारो गासी, ये आपको जातियाँ भी देखने को मिलेंगी, जनजातियाँ भी, और आप देखेंगे ये पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी मेघालय में, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ग्रेट दक्कन रोड, ये आप देखेंगे बनारस से कन्याकुमारी राजमार्ग जो बनारस, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, समझ रहे हैं, बड़ा लंबा जाता है। लारेसिया और गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर? टैथिस सागर। विश्व का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी? गोदावरी। राजघाट बांध बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश से निकलती है ना, ओरछा आप लोगों ने एक सुना होगा, भगवान श्री राम से संबंधित है। हरदौल की मनोती भी मांगी जाती है, वो भी इसी नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी। ऐसा माना जाता है कि दिन में यहाँ रहते हैं भगवान, रात में अयोध्या चले जाते हैं, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बना रखा है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुई थी 1986 की बात है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में? इक्वाडोर में। मैक्सिको स्थित ची हुआ हुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए है? चांदी के लिए। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध समावेशन किया गया और इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक भी माना जाता है, ये आप देखेंगे हेकिटियस को। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस। आरोनी ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एक्टिनोमीटर इस यंत्र से क्या काम होता है? सौर विकिरण की तीव्रता मापी जाती है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रह की बात करें, ग्रहों की, तो सबसे पहले बुध मिलेगा, उससे आगे बढ़ोगे शुक्र मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 मिलेंगे। प्लूटो को हटा दीजिए, गोली मार दीजिए। यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश है? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश मंगोलिया। तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और सिंगार, सिंगार भी पीते हैं लोग। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा, ये श्रीलंका में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार रंग की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा? लाल मिट्टी का। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय पॉप गैगरी 13 को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी या अवरुद्ध नदबुद। ये आप देखते होंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ वो आपकी क्या बनाती हैं? डेल्टा। और जो आप देखते होंगे कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा जैसे हो गया, ताप्ती हो गया, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट की चट्टानों से। ओजोन मंडल ये आप देखेंगे समता मध्य मंडल के बीच में आप देखेंगे। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा अल नीनो कहते हैं इसे। मध्य कैलिफोर्निया और मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल की बात करें, याद रखिएगा। पाइन सिल्वर फर रोडेंडोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो, देखिए कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, आ जाए हो सकता है आपकी परीक्षा में। इटली में लाल वारिस जिसे रक्त वृष्टि भी कहते हैं कराने वाली हवा का नाम क्या है? सिराको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा। पिगवी जनजाति का निवास कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लेदांग, एक जगह से दूसरी जगह हटता रहना। आप देखते होंगे कि जनजाति बहुत इसे करती थी पहले, अब तो काफ़ी लोग रोक लगा दी जा रही है। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं, आपने देखा होगा। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में? झारखंड पश्चिम बंगाल। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी। जल डमरू इस्थमसी क्या तात्पर्य है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी को ही आप लोग जल डमरू कह देते हैं। उस सागर का नाम बताना है जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है, तो यह है भूमध्य सागर। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिमालय आल्पस एटलस रॉकी एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? ये वलित पर्वत हैं सभी। वनस्पति जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। भारत और तारिम बेसिन किस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है? इनका काराकोरम। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। मालाबार तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? मारमागुआ से तिरुअनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सू द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना? कागड़ा पार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप में देखने को मिलेगी? जावा द्वीप में। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा को। पृथ्वी को गोल बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? विद्वान पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कल्पक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच। मलक्का जल संधि किन किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है?
तो याद रखिए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, और इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच आपको देखने को मिलेगी। कोलोरेडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगी। सूरीनाम किस देश का नाम है? डच आयना का नया नाम है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? झीलम नदी के। निषिद्ध शहर ल्यासा तिब्बत को कहते हैं आप लोग। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं ये वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। झेलम नदी का उद्गम ये वेरेनांग कश्मीर के समीप आप लोग जो शेषनाग झील देखते हैं ना, इसी यहीं से निकलती है। कश्मीर की बुरलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिकी झील का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नंदा देवी हिमालय के किस भाग को की चोटी है? कुमायूं हिमालय की। बोकारो तापीय बिजली घर किस राज्य में? झारखंड में। विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर? जिम्बेजी नदी। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत? समताप मंडल। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक ये आप देखेंगे उत्तर अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। डक्कन मार्ग किन मध्य ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान की मध्य। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिच्छेद तीन राज्यों में पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी पर देखने को मिलेगा? मसूरी। कौन सा राज्य भारत का मसाला के नाम से? केरल मसाला उद्यान या मसाला स्टेट मसाला राज्य केरल। विश्व के तीन प्रमुख मौसम केंद्र मेलबोर्न मॉस्को वॉशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी। पेरिज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहते हैं? वेल्ड और डाउन्स। अफ्रीका में आप देखेंगे वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी? कावेरी दक्षिणी महानदी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा कावेरी। अब पता नहीं क्या सोच के नाम रख दिया है और आपकी आयु पूछते रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल निवास करने वाली जनजाति ब्रूसमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है और जिसके अंतर्राज्यीय है ना कि राष्ट्रीय, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान देखने को मिलेंगे। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक ये अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेंगे। दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, और कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीवन कहाँ पाया जाता है ये आप देखेंगे, और यह पशु किस पशु का अभ्यारण है? गुजरात जिला जूनागढ़ में शेरों का अभ्यारण है। तो ये है आपके क्वेश्चंस भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट कह लीजिए आप लोग, और आपने देखा होगा कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका विश्व का मानचित्र। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये है हमारा एशिया, और एशिया में आपको देखने को मिलेगा भारत, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, अभी अगर हम लोग बात करें 2021 में खड़े हुए हैं तो अभी आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे और आप 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें हम लोग नीचे से शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग अरब सागर हो गया, ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहीं पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार। अगर आप पड़ोसियों की बात करें तो देखिए ये है आपका श्रीलंका, ये आप देखेंगे श्रीलंका। और याद रखिए श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली पाक जल संधि ये है आपकी। ठीक है, और इसके बाद आप एक पड़ोसी आपका म्यांमार है, यहाँ आप देख रहे होंगे। एक आपका बांग्लादेश है जिससे हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ये भूटान हो गया, नेपाल, चीन के तिब्बत वाला भाग हमसे लगता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि तिब्बत पर चाइना का कब्जा हो चुका है। ये पाकिस्तान देखने को मिलेगा।
ऊपर आप जाएंगे तो जो आपका लद्दाख वाला भाग है ये आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान से लगते हैं इसकी सीमा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, तो ये देखने को मिलेगी केरल आपका, ये है आपका केरल। तो इसकी राजधानी आप सभी जानते होंगे तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और याद रखिए इसकी केरल की अगर बात करें तो आप देखेंगे इसकी अरब सागर यहाँ देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आप याद रखिए कि इसकी सीमा तमिलनाडु और बेंगलोर से लगती है, यानी कि कर्नाटक से लगती है, दो राज्यों से लगती है इसकी सीमा, कई बार पूछ लेता है। यही आप देखेंगे माहे पुडुचेरी, ये आप देखेंगे कराईकल पुडुचेरी, केरल में भी पुडुचेरी आपको देखने को मिलेगा माहे वाला क्षेत्र, तमिलनाडु में कराईकल पुडुचेरी। ठीक है, और ईयनम ये आप देखेंगे पुदुचेरी, ये आपका आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यही आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु को देख लीजिए एक बार, कहाँ है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। ये सभी राज्य मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, सभी राज्यों के बारे में मालूम होना चाहिए किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, इसकी राजधानी क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए हैं। देखिए यहां आप देखेंगे चेन्नई, इसकी राजधानी, और इसकी बात करें तो आप देखेंगे केरल से इसकी सीमा लगती है, बेंगलोर यानी कि कर्नाटक से भी लगती है और आंध्र प्रदेश से भी लगती है, तो तमिलनाडु तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप लोग जाइए, ये कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी बेंगलोर हो गई, ये आप देखेंगे केरल से भी इसकी सीमा लग रही है, तमिलनाडु से भी और आंध्र प्रदेश, और यहाँ आप तेलंगाना और महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः से लगती है कर्नाटक की सीमा, छः राज्यों से लगती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सन 2014 में इसे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी राजधानी देखेंगे आप लोग अमरावती। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे अगर इससे लगे हुए राज्यों की बात करें हम लोग, तो एक तो आपका तमिलनाडु हो गया, एक तमिलनाडु, दूसरा आप देखेंगे कर्नाटक, तीसरा आप देखेंगे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पांच राज्यों से लगती है आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहीं आपका गोवा देखने को मिल जाएगा जिसकी राजधानी पणजी है, और यहाँ आप देखेंगे कि इसकी सीमा आपकी कर्नाटक से भी लग रही है और महाराष्ट्र से, दो राज्यों से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तेलंगाना, तो इसकी राजधानी हैदराबाद आप देखेंगे, इसकी सीमा आपकी आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, चार राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद यही आपका महाराष्ट्र है, इसे भी देख लीजिए, इसकी राजधानी आप जानते हैं मुंबई, और इसकी सीमा आप देखेंगे कि कर्नाटक से लग रही है, गोवा से भी इसकी सीमा लग रही है, तेलंगाना से भी लग रही है, छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, एमपी से भी लग रही है, मध्य प्रदेश और आपकी गुजरात, तो छह राज्य आपको देखने को मिलेंगे। यही आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यह है आपका दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली। ठीक है, सिलवासा इनकी राजधानी है, इन दोनों को एक कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा, चलिए आप लोग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये आप देखेंगे इसकी आंध्र प्रदेश से भी सीमा लग रही है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों से सीमा आपकी उड़ीसा की भी लग रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, यहीं किसे छत्तीसगढ़ को, इसकी राजधानी रायपुर, और आप सभी को मालूम होगा कि सन 2000 में आपका छत्तीसगढ़ एमपी से अलग करके नया राज्य बना था, तो इसकी सीमा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश,
पाँचवें नंबर पर छत्तीस आपका उड़ीसा, फिर आप देखेंगे झारखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी, सात राज्यों से सीमा लग रही है आपकी छत्तीसगढ़, समझ रहे हैं? तो ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद आप देख लीजिए यही आपका झारखंड है, झारखंड को भी देख लीजिए, इसकी राजधानी रांची देखने को मिलेगी। उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लग रही है और पश्चिम बंगाल, पांच राज्य देखेंगे, ठीक है। यही आप देखेंगे एमपी है, मध्य प्रदेश, तो एमपी की सीमा की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान और गुजरात। तो याद रखिए पांच राज्यों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, ठीक है, और भोपाल इसकी राजधानी है। और एक बात और बताऊं, इसे आप लोग सोया प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, तो ये सभी आप लोग याद रखिए। यही आप देखिए गुजरात हो गया आपका, इसकी राजधानी आपको गांधीनगर देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीन राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। गुजरात की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। इसके राजस्थान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रायपुर इसकी जयपुर इसकी राजधानी हो गया, किसकी, राजस्थान की। और इसकी सीमा की बात करें तो आप देखेंगे एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इनसे एक दो तीन चार और पाँच, पांच राज्यों से सीमा आपकी राजस्थान। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, गुजरात भी पाकिस्तान से लगता है, राजस्थान भी पाकिस्तान। यही ऊपर अगर हम लोग बढ़ें तो ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी इसकी राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। तो इसकी सीमा की बात करें तो आप देखेंगे राजस्थान से भी लग रही है, पंजाब से भी, और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और याद रखिए दिल्ली आपको बीचों बीच में देखने को मिलेगा, जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी है। और अगर आपसे पूछे कि दिल्ली से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो एक तो हरियाणा है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दोनों राज्यों की। उससे ऊपर अगर आप लोग जाएं तो यहाँ आपको पंजाब देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, चार राज्यों से लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि काफ़ी चर्चा में बना रहता है। यही आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश हो गया, इसकी राजधानी शिमला हो गया, काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। ये पंजाब आपसे देखने को मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा भी, उत्तराखंड भी, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ऊपर लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके ऊपर आप लोग जाइए जम्मू कश्मीर में, तो आप सभी को मालूम होगा कि 2019 तक आपका जम्मू कश्मीर पूरा ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आपने देखा है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, एक तो आपका लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लग रही है, पंजाब से भी और लद्दाख से, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर भी और आपका लद्दाख भी। और जम्मू कश्मीर में याद रखिए आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। तो इसकी सीमा की बात करें तो आप देखेंगे पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है और काफ़ी विवाद भी चलता है। यही आप देखेंगे लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा की बात करें तो याद रखिए लद्दाख पहला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है और चाइना से लगती है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उसके बाद आप आइए देहरादून, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बना था, ठीक है। तो देहरादून की अगर हम बात करें तो आप ऊपर हिमाचल प्रदेश देख रहे होंगे, नीचे उत्तर प्रदेश, और ये आपका चाइना हो गया, तिब्बत वाला और नेपाल।
उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है, एक तो चाइना और दूसरा नेपाल। अब आता है आपका यूपी, लखनऊ राजधानी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्यों की सीमा, एक किसी राज्य की अन्य राज्यों से सीमा लगती है तो वह है उत्तर प्रदेश। 9 राज्य कौन कौन सी? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद आप देखेंगे बिहार, और यहाँ है आपका शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। 8 तो ये हो गए, 8 आपके राज्य हैं, और एक आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे? 9 राज्य, ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है। अब देख लीजिए बिहार को, बिहार तो इसकी राजधानी पटना हो गई, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से लगती है, ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से लगती है, ठीक है, एकमात्र देश से। उसके बाद आइए आप लोग पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का क्षेत्र, कोलकाता इसकी राजधानी हो गया। इसकी सीमा की बात करें तो आप देखिए पहला तो आपका उड़ीसा हो गया, दूसरा आप देखेंगे झारखंड हो गया, तीसरा आप देखेंगे बिहार हो गया, उसके बाद आप जाइए सिक्किम, चौथा सिक्किम हो गया, और पांचवा आप देखेंगे असम हो गया। तो 5 राज्यों से, ठीक है। अगर हम लोग इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें किन किन देशों से लगती है, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है, भूटान से भी लगती है, उसके बाद बांग्लादेश, 3 देशों से सीमा लगती है बांग्लादेश की। किसकी? पश्चिम बंगाल की, 3 देशों, इसमें नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश। उसके बाद आप लोग सिक्किम को भी देख लीजिए, ये है आपका सिक्किम। और याद रखिए 7 सिस्टर यानी कि 7 सिस्टर जो देश, जो राज्य कहलाते हैं, उनमें सिक्किम आपका शामिल नहीं है 7 सिस्टर्स में। इसमें इसकी राजधानी गंगटोक हो गई। इसकी सीमा की बात करें तो आप देखते हैं नेपाल से लग रही है ऊपर, तिब्बत से, और आप लोग भूटान से, 3 देशों से किससे सीमा आपकी सिक्किम की भी लग रही है। इससे आप लोग रट लेते हैं, कोई ट्रैक ढूंढता रहता है, इन्हें एक से दो बार आप लोग जैसे ही मैप्स में देखेंगे मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और ये याद ऐसा होगा कि कभी भूलेंगे भी नहीं, समझ रहे हैं, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चंस आए। इसके बाद आप देखिए असम चलते हैं, ये है आपका असम, ठीक है, दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। इसके बाद आप देखेंगे इसकी अगर राज्यों की सीमा बात करें तो एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा आप देखेंगे मेघालय हो गया, उसके बाद आप देखिए इसकी राजधानी त्रिपुरा, माफ करिए त्रिपुरा तीसरा हो गया, मिजोरम हो गया चौथा, मणिपुर पांचवा, नागालैंड छठवा, और सातवा अरुणाचल प्रदेश। तो आप समझिए 7 राज्यों से लग रही है इसकी सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप सभी जानते हैं भूटान से भी लगती है, और इसकी सीमा आप देखेंगे बांग्लादेश, 2 देशों से लगती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, काफ़ी विवाद चलता रहता है, और आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बताता है। तो इसकी सीमा आप देखेंगे असम से लगती है और नागालैंड से, 2 राज्यों से। और अगर हम लोग इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भूटान हो गया, और ऊपर चाइना हो गया, और यहाँ म्यांमार हो गया, 3 देशों से लगती है, ठीक है। उसके बाद आप आइए नागालैंड पर, तो इसमें आप देखेंगे इसकी राजधानी कोहिमा, और याद रखिए अरुणाचल की ईटानगर थी, और इसमें आप देखेंगे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, और उसके नीचे आप जाएंगे तो मणिपुर, और यहाँ आपको इसकी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश से लगती है, वो है म्यांमार, बर्मा, ठीक है। उसके नीचे आइए, ये मणिपुर हो गया, इसकी राजधानी इम्फाल हो गई, इम्फाल, और इसमें आप देखेंगे असम से सीमा लग रही है, नागालैंड से भी, और नीचे आप आएंगे तो मिजोरम से, ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो आपकी म्यांमार से केवल। उसके बाद आप आइए मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल हो गई, इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है, और आप देखिए
बांग्लादेश से भी लगती है। अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे मणिपुर, असम और त्रिपुरा, तीन राज्यों से। अब त्रिपुरा को देख लीजिए, अगरतला इसकी राजधानी हो गए। और इसकी सीमा की बात करें तो आप जानते हैं कि इसकी आपकी मिजोरम हो गया और असम, और बांग्लादेश तीनों तरफ से, तीन तरफ से किसे, त्रिपुरा को घेरे हुए। याद रखिए, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे एक देश तीन तरफ से घेरे हुए है, तो ये है आपका त्रिपुरा। अब आपका बचता है मेघालय, इसकी राजधानी शिलोंग हो गई। और इसमें बात करें तो आप देखेंगे असम से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से, ये भी आप लोग याद रखिए। तो मुझे लगता है कि सभी देश कंप्लीट हो गए। एक बार देशों को और बता देता हूँ, पाकिस्तान, इनसे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है हमारे, एक तो गुजरात, राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और जम्मू कश्मीर, चार राज्यों की सीमा लगती है, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वहीं आपसे पूछे अगर अफगानिस्तान, तो केवल लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और पीओ के वाले हिस्से की जो पाकिस्तान के कब्जे में है। वहीं अगर हम लोग बात करें चाइना, तो याद रखिए लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपकी चाइना। वहीं चाइना से अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आप आइए सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पांच राज्यों की सीमा आपकी चाइना से। ये आप बीच में देखेंगे नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पांच राज्यों की सीमा आपकी नेपाल से हो गई। अब आप देखेंगे भूटान, तो सिक्किम एक हो गया, पश्चिम बंगाल दो और असम तीन और अरुणाचल प्रदेश चार, चार राज्यों से सीमा आपकी भूटान की। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम, पांच राज्यों की सीमा बांग्लादेश से। अब आइए म्यांमार पर, तो इसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद आप आइए नीचे तो ये आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार राज्यों की सीमा बर्मा, म्यांमार से। एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेता है, जो हमारी मानक समय रेखा है कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो याद रखना है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पांच राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें जो आपकी मानक समय, जो करक रेखा है, करक रेखा पर उपस्थित अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिए त्रिपुरा मिजोरम, आठ राज्यों से होकर आपकी करक रेखा जाती है। और मानक समय रेखा ये आपकी पांच राज्यों से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग तटरेखा से लगे हुए राज्य, इसमें गुजरात हो गया, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद कोलकाता, ठीक है, इन सब को भी याद रखिए। और याद रखिए आपका अंडमान निकोबार हो गया, फोर्ट विलियर्स की राजधानी। तो ये कहानी है आपके राज्यों में, इसे मैप्स को आप लोग एक से दो बार देखेंगे आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। और आप सोचिए कि अगर मैप्स को आप लोगों ने ऐसे ही देख लिया दो चार बार तो आपके दो तीन क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चंस बनते हों तो उनके आंसर बेहतर तरीके से दे पाओगे। चलिए हम लोग मिलते हैं, अगली कोई क्लास लेंगे उसी में, ठीक है, मिलते रहेंगे आप लोग, पढ़ते रहिए।